हमने one में, of India, या फिर आप चैनल में जाके दूसरे हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के ऊपर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है यूजली इसको चार से पांच वीडियो में करना चाहिए था बट आई है ट्राइड कि मैं एक ही वीडियो के अंदर इसको कंप्लीटली आपके सामने एक समराइज करने की कोशिश की मैंने एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो मैंने चीजों को सिंपलीफाई करने की भी कोशिश की है बिकॉज इफ यू सी बहुत सारी चीजें इसमें है अगर आप एनसीआर भी पढ़ोगे एनसीआर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं क्लाइमेट में जो समझ नहीं आती है सो आई वुड रिकमेंड के आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप एनसीआर या दूसरे जो आपके सोर्सेज हैं उसको एक बार देख लीजिए बिकॉज आप इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी चीजें जो उसमें टेक्निकल चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही थी वो आपको समझ आ जाएंगी एंड अगर आप नहीं भी पढ़ोगे आई थिंक दिस शुड बी एनएफ फॉर यूर एग्जाम्स बिगिन टूडे वीडियो बट बिफोर आई बिगिन विद द क्लाइमेट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता हो बिकॉज ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में अगर आपको पता नहीं होगी आई डोंट थिंक आपको क्लाइमेट और क्लाइमेट के रिलेटेड जो प्रोसेसिस हैं वो समझ आएंगे क्योंकि क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो फिनमिना है उनको समझने के लिए इन सारी टर्म्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ टर्म्स शायद आपको ऑलरेडी पता होंगी सो देर आर टर्म्स लाइक डिफरेंट रीजन या जोन इक्वेटोरियल जोन ट्रॉपिकल जोन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ये जो क्या होते हैं वॉट आर प्रेशर बेल्ट प्रेशर बेल्ट में हम देखेंगे कि ITCZ क्या होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है एंड वील सी वॉट आर द ओरोग्राफिक एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल जो बारिश होती है वो दो तरीकों से होती है आर थ्री टाइप्स साइक्लोनिक टाइप आल्सो बट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वन इज इज ओरोग्राफिक एंड अदर द कन्वेक्शनल रेनफॉल हम ये भी देखेंगे कि ये रेनफॉल क्या होता है देन विल सी व्हाट आर ट्रेड विंड्स एंड जेट स्ट्रीम्स ये दो टाइप की विंड्स हैं जो हमारी अर्थ पे ब्लो करती हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लाइमेट सो लेट्स बिगिन विद द इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर जोन हमें पहले पता होने चाहिए कि ये क्या है विल स्टार्ट विद दिस वर्ल्ड मैप ये आपको पता होगी यहाँ ये मैप हमने पिछली वीडियोस में भी यूज किया है एंड इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे इंडिया है एंड जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी भी थी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड में बट वी विल दैट पे सबसे पहले बिल्कुल अर्थ के बीच में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है अराउंड द अर्थ उसको हम इक्वेटर कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर कहते हैं सो जो लाइन बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच से जाती है हॉरिजॉन्टल line एक इमेजिनरी लाइन है इसको हम इक्वेटर कहते हैं के बाद हमने इसके ऊपर है, है, वाला सेक्शन है, जो जो है उसको हम नॉर्दर्न हेमिसफेयर कहते हैं और जो नीचे है उसको हम कहते हैं एंड सी अगर हम इंडिया की बात करें यू कैन सी हेयर की जो इक्वेटर है इंडिया इक्वेटर के ऊपर आता है दैट्स से हम कहेंगे कि इंडिया नॉर्दर्न हेमोस्फियर में आएगा यू शुड नो दिस देन अब यहाँ पे जीरो डिग्री लैटिट्यूड है अब नॉर्दर्न हेमोस्फियर में भी वन डिग्री पे लैटिट्यूड है टू डिग्री थ्री डिग्री ऐसी लाइन्स डाली हुई है हमने हॉरेजॉन्टल नाइन्टी डिग्री तक तो जो सबसे ऊपर यहाँ पे लाइन आएगी वो नाइन्टी डिग्री लैटिट्यूड होगी ऐसे ही नीचे साउथ में भी जीरो डिग्री साउथ वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री नीचे करके नाइन्टी तक आएगी लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लेटिट्यूड लाइक वी हैव द ट्वेंटी थ्री एंड ए हाफ डिग्रीज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्रीज पे जो है उसको हम कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर अब हमने इसी को क्यों नाम दिया व्हाई डिड वी नेम दिस 23 डिग्री एंड 1/2 लैटिट्यूड इसको हमने टॉपिक ऑफ कैंसर क्यों नाम रखा हमने 10 डिग्री क्यों नहीं लिया हमने 20 डिग्री बाकियों का नाम क्यों नहीं रखा हमने टॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों लिया बिकॉज़ इसके पीछे ये रीजन है कि जो 23 एंड 1/2 डिग्रीस है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये वाला लैटिट्यूड ला जो सन है जून में ऑन ट्वेंटी सेकेंड जून सन जो है राइज होता है अगर ईस्ट लेके वेस्ट तक आएगा सो इफ यू सी सन की रेज जो है वो परपेंडिकुलर होंगी इस लाइन पे जो जो लोकेशन आएगी सो so इंडिया में जो बीच में ये एट स्टेट्स आएंगी उनमें ट्वेंटी सेकेंड जून को जो सन है वो बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो अगर नीचे आप शेडो देखोगे बारह बजे नून में आपको उसकी शेडो ही नहीं दिखेगी क्योंकि शेडो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे होगी आई होप समझ आ रहा होगा कि ट्वेंटी थ्री डिग्रीज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्रीज को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम हमने इसलिए दिया बिकॉज ट्वेंटी जून को बिल्कुल परपेंडिकुलर सन की रेज इस लोकेशन पे पड़ती है इस लाइन के अलोंग जो जो यहाँ पे जैसे सहारा में कोई जगह होगी या ऐसे नॉर्थ अमेरिका में जो जो लोकेशन इस लाइन के नीचे आएगी उस पे परपेंडिकुलर सनरेज होंगी ट्वेंटी सेकेंड जून पे ऐसे ही अगर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे दो बार एवरी ईयर दो बार यहाँ पे परपेंडिकुलर सनरेज होती है एग्जैक्टली ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को होती है ये So, हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड मार्च होता है मार्च में यहाँ पे परपेंडिकुलर सनरेज होंगी फिर जो नेक्स्ट डे होगा नेक्स्ट डे में थोड़ा सा ऊपर जो है सन की रेज परपेंडिकुलर होंगी ऐसी आगे जाएगा अप्रैल में मे बी यहाँ पे होंगी

मार्च में ट्वेंटी मार्च या ट्वेंटी मार्च को इक्वेटर पे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर स्थान होता है फिर ऊपर जाता है धीरे 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 हर दिन ऊपर जाता है और ट्वेंटी सेकेंड जून को इस वाली लाइन ट्वेंटी थ्री डिग्री ट्रॉपी ऑफ एंसर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है सो so, मार्च में इक्वेटर के ऊपर होता है मार्च जून को यहां होता है फिर जब फिर से सेप्टेम्बर जब आता है तो फिर नीचे आता है सन फिर परपेंडिकुलर यहां पे होती है और फिर डिसंबर ट्वेंटी सेकेंड डिसंबर को नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में होता है आई होप आपको समझ आ गए हो कि ये हमने इनको नाम क्यों दिया हुआ है एंड वन मोर थिंग इफ यू सी के जो इक्वेटर है इक्वेटर पे दो बार सन जो है परपेंडिकुलर होता है इस वजह से जो इक्वेटर है ये हॉटेस्ट प्लेसेस है जो इक्वेटर ये अलॉन्ग जगह पड़ती है जो लोकेशंस आती हैं वो हॉटेस्ट प्लेसेस में से मानी जाती है और इस वजह से जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे रेनफॉल भी ज्यादा होता है इसलिए जो इक्वेटर पे लोकेशंस आपको दिखेंगी यहाँ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसी कंट्रीज है कैनिया ये कंट्रीज जो है इक्वेटर पे आती है यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पे जो वेक्टर वैक्टरबोन डिजीज होती है डेंगू चिकनगुनिया ये ऐसी डिजीज़ जो है ये ज्यादा जो है अफ्रीकन कंट्रीज से ही निकलती है इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि इनमें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है एंड ह्यूमिडिटी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ज्यादा डेवलप करते हैं तो इस वजह से यहाँ पे हमें ज्यादा डिजीज देखने को मिलती है और एक चीज है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दिन रेनफॉल होता है क्यों क्योंकि दिन में जो है दिन में वेपर्स उठते हैं दिन में जो है हवा ऊपर उठती है और फिर शाम को बारिश होती है ऑलमोस्ट हर आफ्टरनून में हर इवनिंग में जो इक्वेट्री अलॉन्ग जगह है वहां पे बारिश होती है

हमें क्लाइमेट पड़ता है और क्लाइमेट में आपको टेम्परेचर भी पढ़ना होता है क्लाइमेट का एक एस्पेक्ट टेम्परेचर है, है और अगर आपको या अभी मैंने बताया कि जो इक्वेटर है वहाँ पे साल में दो बार जो है परपेंडिकुलर सनरेज पड़ती है इसलिए जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए एक यूजल पैटर्न अगर आप देखोगे इक्वेटर से ऊपर जितना आप जाओगे दूर जाओगे चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ जो एवरेज टेम्परेचर है यूजली वो कम होता है यूजली वो कम होता है क्योंकि अगर आप देखोगे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा उससे कम ट्रॉपिक कैंसर में सर्कल में उससे कम और सबसे कम जो होगा वो यहाँ होगा जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होगा यहाँ पे साउथ पोल में नीचे एंटार्टिका है और ऊपर यहाँ पे आपको आर्टिक सी दिखेगा ओशन दिखेगा यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड भी दिखेगा ये जो है ये दो लोकेशन ग्रीनलैंड और नीचे एंटार्टिका ये बर्फ से ढकी हुई है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कम है सो यू शुड नो दिस की जितना आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे या इक्वेटर से नीचे जाओगे उतना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है सो so, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया जो है इंडिया में कैसा टेम्परेचर होगा सो यू विल सी कि इंडिया जो है इस हिसाब से सबसे ज्यादा टेम्परेचर नीचे साउथ में होना चाहिए और ऊपर सबसे कम होना चाहिए नॉर्थ में क्योंकि साउथ जो है इंडिया का साउथ जो है वो नजदीक है इक्वेटर से जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा बट यू विल सी इसमें और भी फैक्टर्स हैं लाइक like, लैंड uh, और सी कितना दूर है मतलब यहां पे आप देखोगे यूजली हम देखते हैं कि नॉर्थ में ही ज्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली में हरियाणा यूपी में पंजाब में साउथ में उतनी गर्मी नहीं होती है Because of the fact कि जो साउथ है, साउथ के अराउंड आपको जो है ओशन दिखेगा और ओशन का भी इम्पैक्ट होता है जब वाटर पास में होता है कोई बड़ी वाटर बॉडी पास में होती है तो उससे भी टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो यूजली आप देखोगे कि जो साउथ है साउथ में इंडिया में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है रेंज जो है वो कम होता है मतलब दिन को अगर थर्टी डिग्री होगा रात को ट्वेंटी फाइव होगा मतलब फाइव डिग्रीज का फर्क है बट इफ सी राजस्थान में अगर आप ऊपर जाओगे वहां पर रात को थर्टी सॉरी दिन को थर्टी होगा और रात को फाइव डिग्री होगा तो ट्वेंटी है तो ये रेंज जो ज़्यादा है नॉर्थ में और कम है साउथ में इस वजह कि कि ओशन है ये एक तरह से इस टेम्परेचर को ज्यादा जो है इसका रेंज बढ़ने नहीं देता है इसको मॉडरेट ही रहने देता है सो so, यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं Altitude एक फैक्टर है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में बर्फ पड़ती है यहाँ पे उत्तराखंड में बर्फ पड़ती है ये इस वजह से बिकॉज वहां पे ऑल्टीट्यूड ज्यादा है हाइट ज्यादा है सो so, हाइट भी एक फैक्टर है सो so, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीच में से गुजरती है Now, there is वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम division करते हैं अब अब हम देखते हैं कि जो इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो ये रीजन है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन याद रखना है आपको कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक नीचे जो, जो जोन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल और टॉरिड जोन सो जब भी आप आगे जब आप ट्रॉपिकल जोन सुनोगे या ट्रॉपिकल सुनोगे उसका मतलब है कि इस वाले रीजन में सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया क्या ट्रॉपिकल जोन में लाइक करता है तो यू शुड से कि जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आएगा बाकी नॉर्दर्न इंडिया वो ट्रॉपिकल जोन में नहीं आएगा अब वो किस जोन में आता है सो so देन अगर आप देखोगे ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज फ्रॉम से लेके ऊपर आर्टिक सर्कल तक और नीचे यहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके नीचे एंटार्टिक सर्कल तक सो so, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर आर्टिक सर्कल तक और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्टिक सर्कल तक ये जो आपको दिख रहा है ट्रॉपिकल जोन और जो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर्कल और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्टिक सर्कल तक है इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन नाउ यू नो कि इंडिया जो है इंडिया का पेनसुलर रीजन जो नीचे वाला रीजन है ये लाइक करता है ट्रॉपिकल जोन में और ऊपर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स या जो सेंट्रल इंडिया भी है वो लाइक करता है टेम्परेट जोन में सो so, जो इंडिया है वो एक ही जोन में लाई नहीं करता है यूजुअली हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल जोन है वो ज्यादा गर्म होता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है टेम्परेट जोन के कंपैरिजन में बट और भी फैक्टर्स हैं जो हम आगे देखेंगे सो नाउ यू शुड नो कि इंडिया जो है इंडिया ट्रॉपिकल जोन में भी उसका थोड़ा सा पड़ता है और टेम्परेट जोन में भी पड़ता है देन वी हैव द पोलर जोन नीचे एंटार्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल और ऊपर आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक आपको जो दिखेगा वो पोलर रीजन है नाउ यू नो दिस के पोलर रीजन क्या होता है अब पोलर रीजन ऊपर आपको दिखेगा और नीचे आपको वो भी पोलर रीजन होगा साउथ पोल के पास देन वी हैव द टेम्परेट जोन ये है uh, सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपल और ऊपर सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में दिखेगा देन वी हैव बीच में जो यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन है जो इक्वेटर या फिर हम कह सकते हैं ऊपर कैंसर नीचे ट्रॉपिकॉपिकॉन तक दिखेगा ये इंपॉर्टेंट चीज है आई वॉन्ट के आप इसको विजुअलाइज करो इसको ध्यान रखो

यहाँ पे इक्वेटर के पास ऊपर कैंसर और नीचे तो अगर आप कहीं पे सुनोगे ये टेम्परेट जोन में आएगा सो तो टेम्परेट जोन आपको समझ आएगा कि ये कहीं ना कहीं आपको ऊपर दिखेगा मतलब यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर पोलर जोन तक कहीं ना कहीं पे होगा या नीचे यहां पे होगा सो यू शुड नो दीज थिंग्स और मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है इक्वेटोरियल रीजन सो जब आप सुनोगे इक्वेटोरियल रीजन तो आपको समझ आना चाहिए इक्वेटर के पास वाला रीजन अब वो ऊपर नॉर्थ में भी थोड़ा सा है और साउथ में भी है सो so, अब अब अगर मैं पूछूं आपसे क्या इंडिया का कोई पार्ट इक्वेटोरियल रीजन में आएगा सो यू शुड से नो बिकॉज

ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन तो अगर आप अब सुनोगे सब ट्रॉपिकल रीजन आपको समझ आएगा कि जो ट्रॉपिक ट्रॉपिक है ऑफ कैंसर के ऊपर ट्रॉपिकाइव डिग्री और नीचे 5 degrees, और अगर आप देखोगे सब सब ट्रॉपिकल रीजन नीचे नीचे भी हो सकता है ट्रॉपिक ऑफ के ऊपर और सो ट्रॉपिकल so का मतलब ट्रॉपिक के पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फाइव और नीचे फाइव लेकिन ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये सारा रीजन जो आपको ये दिख रहा है मतलब जो कहां से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक है ये डिफरेंस समझो नीचे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक का मतलब है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक लेकिन सब ट्रॉपिकल का मतलब है ट्रॉपिक के ऊपर फाइव नीचे और नीचे नीचे ट्रॉपिक ऑफ के भी ऊपर अगर आप अब देखोगे इंडिया इंडिया कहीं कहीं ना का मेजर पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल है यू शुड नो दिस बिकॉज इंडिया के बीच बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फाइव डिग्रीज ये और नीचे फाइव डिग्रीज ये ये पूरा रीजन जो है ये ट्रॉप सब ट्रॉपिकल रीजन है तो कहीं ना कहीं आप आपने कभी तो सुना होगा या कहीं तो पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री तो सब ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक से अराउंड आती है सो so, इस वजह से भी अब जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे आगे तो यू विल सी कि हम कहते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप मतलब इसका क्लाइमेट क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्रीज आती हैं या लोकेशन आती हैं उनका जो क्लाइमेट है वैसा ही है बट मॉनसून भी साथ में है सब ट्रॉपिकल मॉनसून मॉनसून का मतलब है कि जो हम आगे देखेंगे कि इसमें बारिशें होती हैं मॉनसून की वजह से तो वो भी एक पैटर्न है एक क्लाइमेट पैटर्न है वो भी इसमें पाया जाता है सो यू शुड नो कि इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री है क्यों क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और नीचे इसका मेन या मेजर पोर्शन आता है फॉर I I you know एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि ये अर्थ जो है ये, जब, जब seasons बनते हैं, वो हम देखेंगे कैसे बनते हैं सो so, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे हम जब मानसून अभी देखेंगे मानसून में ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए सो so, यहाँ पे नीचे जो आपको दिखेगी यहाँ पे

यहाँ पे जब विंटर होता है जब ट्वेंटी सेकेंड डिसंबर होता है अगर आपको याद होगा मैंने बताया कि ट्वेंटी सेकंड डिसंबर को सन की रेज डायरेक्ट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे तो नीचे होती है डायरेक्ट रेज तो साउदर्न हेमिसफेयर में डायरेक्ट रेज पड़ती है तो इस वजह से जब यहाँ विंटर होता है जब यहाँ पे ट्वेंटी सेकेंड डिसंबर को यहाँ विंटर तो जो साउथ साउदर्न हेमिसफेयर में कंट्रीज होती है वहां पे होता है समर तो इस वजह से जो साउदर्न हेमिसफेयर में आती है लाइक like ऑस्ट्रेलिया है अगर आपने क्रिकेट देखा होगा क्रिकेट में जो ऑस्ट्रेलिया तो वहां पे वो बोलते हैं कि स्टार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन समर समर वहां पे यूजली दिसंबर के बाद स्टार्ट होता है वहां पे जब क्रिकेट स्टार्ट होता है दिसंबर में तो वो कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ समर सो इस वजह से है बिकॉज 22nd दिसंबर को यहां तो गर्मी हो सर्दी होती है यहां पे विंटर होता है बट जो उदर्न एमस्फेर वहां पे समर होता है because of the fact, वहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रही, नहीं रही है। दूर है। उसको थोड़ा वो स्लॉटिंग आएगी वो डायरेक्ट नहीं आएगी दैट विल बी ऑन ए स्लांटिंग एंगल पे होगी वो डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगी सो यूसीबर की ट्वेंटी सेकंड दिसंबर को यहाँ पे सर होती है इस वजह से होती है मतलब विंटर यहाँ इसलिए होता है बिकॉज उस वक्त जो सन रेज है वो डायरेक्ट नीचे साउदर्न ट्रॉपिक ऑफ पे होती है देन वी हैव अगर यहाँ समर होता है मतलब ट्वेंटी सेकेंड जून को यहाँ समर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो ट्वेंटी सेकंड जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है और ट्वेंटी दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ती है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है इस वजह से ट्वेंटी सेकंड जून को हमारा यहाँ पे समर होता है देन वी हैव अगर हम मार्च की बात करें मार्च में और सितंबर में इन दोनों टाइम पे इक्वेटर पे जो है सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है इस वजह से यहाँ पे ना अब से ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है और नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर होता है सो यू शुड नो दिस की जब हम विंटर की बात करते हैं नाउ यू शुड नो की विंटर में जब यहाँ ट्वेंटी सेकंडर होता है उस टाइम पे यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही होती है इस वजह से सर्दी होती है और जो ट्वेंटी सेकंड जून है उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है मतलब इंडिया में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है इस वजह से यहाँ पे होती है गर्मी मतलब समर होता है ये हमें आगे मानसून में हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने में नाउ वी हैव सीन ऑल द ज़ोन्स अब हम देखेंगे प्रेशर बेल्ट्स और बेल्टेटरी विंडी सीजेड बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पता नहीं क्या है बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल ईजी है आपको समझ आ जा जाएंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या डिफरेंस क्या रिलेशनशिप है आपने शायद सुना भी होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे यूजली गैस की हम बात करते हैं जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो उसका प्रेशर कम होता है अब ये इसका ये क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी आपको बता हुआ कि गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स या छोटे एटम्स का बना होता है एंड जब आप गैस को हीट अप करते हो उसको हीट देते हो उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो वो फैल जाता है मतलब जो उसके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं सो so, इस वजह से जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं मतलब उसके अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा या ज्यादा वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होता है तो अगर कुछ समझ नहीं आए बस याद रखो कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम

हीट आती है और वो सरफेस पे पड़ती है जब सनलाइट सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ती है तो उससे क्या होता है कि जो, जो जहां जो सरफेस ऑफ अर्थ जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे पड़ रही है वहां पे गर्म हवा जो है वो गर्म हो जाती है सो so, सन sun से सनलाइट आती है वो नीचे सरफेस पे पड़ती है वहां पे जो एयर है सरफेस पे वो गर्म हो जाती है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा अभी मैंने बताया जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा प्रेशर कम होगा तो जो हॉट एयर है वो राइज करने लगेगी क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाएगा अब इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब प्रेशर कम होगा मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आपके सिर पे कुछ रखा हुआ है को, कोई कोई चीज रखी हुई तो आपके सिर पे प्रेशर है अब अगर मैंने उसको ऊपर उठाया तो प्रेशर कम है ये आपको याद रखना है कि जहां पे गर्म हवा होगी वो वह, वहां वहां पर लो प्रेशर जोन बनता है तो वो हवा जो है वो ऊपर जाएगी क्यों क्योंकि वो गर्म होगी तो याद रखना है जहां पे गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है तो जो बाकी एडजस्टेंट लोकेशन होगी जहां पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है तो वहां से कोल्ड एयर जो है वहां पे कोल्ड एयर है मतलब वहां पे लो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर है तो वो कोल्ड एयर जो है वो इसको रिप्लेस करेगी समझ आ गया सन Sun से सनलाइट आ रही है उससे एयर जो है वो हीट अप होगी हॉट एयर बन गई वो ऊपर गई उसको रिप्लेस किया एयर ने कोल्ड एयर ने सो नाउ यू शुड नो की जहां पे टेम्परेचर ज्यादा था वहां पे लो प्रेशर था और जहां पे लो टेम्परेचर था वहां पे हाई प्रेशर था सो so, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ एयर होती है मूवमेंट ऑफ एयर होती है हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है ये इंपॉर्टेंट है सो so, अगर मैं इसको समराइज करूं जहां पे गर्मी होती है वहां पे गर्म हवा होती है गर्म हवा ऊपर उठती है तो एडजेसेंट एरिया से कोल्ड एयर उसको रिप्लेस करती है तो इससे हम कह सकते हैं कि जहां पे गर्म हवा थी वो ऊपर गई क्योंकि वहां पे लो प्रेशर था और उसको रिप्लेस किया कोल्ड एयर ने जो हाई प्रेशर जोन से आई तो याद रखना है कि हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू तो लो प्रेशर जाती है इसको आप ऐसे देख सकते हो आज एफ आपके सामने हवा आपने एक बलून में भरी हुई है और उस बलून को आप दबाते हो तो आपने उसको दबाया मतलब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो हवा किस तरफ जाएगी जो आगे से अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो उस तरफ जाएगी क्योंकि वहां पे कम प्रेशर होगा ठीक है तो आपने हाई प्रेशर लगाया हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हुई तो इंपॉर्टेंट चीज ये दिमाग में बिठा लो आप बात कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है हवा ऊपर जाती है उसको रिप्लेस करती है कोल्ड एयर जो हाई प्रेशर जोन से आती है सो so, हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है सो so, अब अगर हम इसको मैप पे देखेंगे मैप पे सबसे ज्यादा जो है टेम्परेचर जो है वो कहाँ होता है इक्वेटर पे होता है सो इक्वेटोरियल जोन जो है वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है अब मुझे बताओ टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा सर प्रेशर लो होगा इसलिए जो ये वाला रीजन है इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लो लो मतलब लो प्रेशर है तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वो लो प्रेशर है क्योंकि वहां पे यूजली अगर हम सितंबर या मार्च की बात करें उस टाइम पे यहाँ पे गर्मी होती है दैट्स पे लो प्रेशर होता है तो इसको हम इक्वेटोरियल लो कहते हैं अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर लो प्रेशर है मतलब यहाँ पे गर्मी ज्यादा है गर्मी ज्यादा है तो क्या होगा सर गर्मी ज्यादा है तो हवा गर्म होगी जब हवा गर्म होगी तो ऊपर राइज करेगी ठीक है राइज करेगी राइज करेगी तो क्या होगा नीचे खाली जगह होगी तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है जो यूजली थर्टी डिग्रीज के आसपास मतलब ट्रॉपिक्स के आसपास का रीजन जो है वहां से एयर आती है इसको रिप्लेस करने ठीक है वहां से एयर आई इसको रिप्लेस करने ठीक है जो एयर इसको रिप्लेस करने क्यों क्योंकि यहां पे रियर एयर जो है वो हो गई थी और यहाँ पे जो है इसके कंपैरिजन में जो है प्रेशर हाई होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई आईओ समझ आ गया होगा इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा थी इसकी वजह से हवा जो है उसने राइज किया जब हवा ने राइज किया तो उसको रिप्लेस किया किसने जो सरफेस पे विंड चलने लगी कहां से यहाँ हाई प्रेशर जोन से मतलब जो इसको हम कहते हैं इस रीजन को हम सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन के आसपास जो यहाँ पे रीजन है यहाँ पे जो प्रेशर है यूजुअली हाई होता है और वहां से विंड चलने लगती है टूवर्ड्स इक्वेटर सो so, इसी तरह से अगर आप ऊपर देखोगे पोलर रीजन में जो है लो प्रेशर होता है और यहाँ पे भी पोलर रीजन में लो प्रेशर से होती है, मतलब सबसे होता है। जब सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो क, जो प्रेशर होगा वो लो होगा इसलिए हम कहते हैं लो है इसी तरीके से यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई बनता है और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई बनता है और ऊपर पोलर लो और पोलर लो बनता है तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया तो फिर क्या होगा कि जो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है यहाँ भी हाई प्रेशर है और यहाँ भी हाई प्रेशर है तो अभी हमने देखा कि जहां पे हाई प्रेशर होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलने लगती है तो क्या होगा सरफेस के ऊपर मैं सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूं सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन से एयर या विंड्स आने लगेगी ऊपर से भी और नीचे से भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया लो प्रेशर जब क्रिएट हो गया हवा ऊपर चढ़ी हवा ऊपर चढ़ी तो इसको रिप्लेस करने के लिए जो हवा है वो कहां से आई वो हाई प्रेशर ट्रॉपिकल जोन से आई तो इस वजह से अर्थ के ऊपर ऐसे ही अगर हम नीचे देखोगे यहां पे हाई से लो मतलब यहां से नीचे की तरफ जाएगी ऐसे ही ऊपर भी होगी तो आप जो ये विंड्स हैं, जो आप देख रहे हो ये वाली विंड्स जो आ रही हैं, जो इक्वेटर की तरफ या जहां पे लो आ रही है डायरेक्ट तो सनरेज होती है लाइट की उस रीजन को हम कहते हैं आई टी सीजन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कन्वर्जेंस मतलब जहां पे कन्वर्ज हो रही हूँ सो याद रखना है कि जहां पे इक्वेटर है यूजुअली इक्वेटर के पास ही होता है ये सितंबर मार्च में जहां पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर बनता है लो प्रेशर बनता है तो हाई प्रेशर जोन यानी ट्रॉपिकल से विंड्स आती विंड से ऊपर से भी और नीचे से भी इन विंड्स को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स 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 इन विंट्स को कहते हैं ट्रेड विंट्स. विंट्स को हम कहते हैं, ट्रेड विंट्स. तो जब आप ट्रेड विंड्स सुनोगे आपको समझ आना चाहिए ये सरफेस के ऊपर चलने वाली अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर चलने वाली विंड्स है जो यूजुअली अगर हम इक्वेटर के, अराउंड बात करें तो ये आती हैं सब रीजन से ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों कन्वर्ज होती है इक्वेटर पे या फिर जहां पे राजस्थान पड़ रही होंगी वहां पे उस रीजन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो या आई टी सीजन कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अब ऐसे ही ऊपर भी होगा पोलर हाई से लो की तरफ जाएगा बस आपको ये याद रखना है कि यूजुअली सितंबर और मार्च में जो इक्वेटोरियल लो है या जो लो प्रेशर जोन है वो बनता है इक्वेटर के ऊपर क्योंकि वहां पर रेज पड़ती है और अगर आप इनका नाम अगर आप देखोगे मैंने इनका नाम यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड रखा है इनका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रखा है जब विंड रखा जाता है तो विंड जहां से आ रही होती है उसको वही नाम दिया जाता है मतलब ये ऊपर वाली विंड जो है ये कहां से आ रही है इट्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट है ना ऊपर नॉर्थ है ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है सो so ये वाला रीजन क्या होगा दिस इज नॉर्थ ईस्ट सो ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है इनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंडे वाली क्यों है क्योंकि नीचे साउथ है और ये ईस्ट है तो ये यहां से आ रही है ना ये वाला रीजन तो ये वाला रीजन साउथ ईस्ट है ठीक है तो ऊपर वाली विंड कहां से आ रही है नॉर्थ ईस्ट से ये वाली साउथ ईस्ट से इस वजह से इनको ट्रेड विंड कहते हैं या यूजली आप देखोगे इनको ईस्टर लीज भी कभी कहेंगे बिकॉज ये कहीं ना कहीं ईस्ट से ही आ रही है ठीक है बट तो आपको याद रखना है कि ट्रेड विंड सरफेस के ऊपर चलने वाली विंड है और ये कन्वर्ज होती हैं जहां पे डायरेक्शन सनलाइट पड़ रही होती है ऊपर वाली को हम वेस्टर्लीज कहते हैं क्योंकि ये एक तरह से वेस्ट से आ रही है ऐसे ही यहां भी वेस्ट से आ रही है तो वेस्टर्लीज है अब क्या होता है कि जब जून आता है जून में क्या होता है जून में डायरेक्ट सनराइज कहां पर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इंडिया के ऊपर इंडिया के ऊपर पड़ती है इस वजह से यहां पर बनता है आई टी या लो प्रेशर जोन मतलब जब जून आता है जून में क्या होता है जून में होता है ये कि

आई इक्वेटर के ऊपर था हाई जो लो प्रेशर जोन है हाई टेम्परेचर कहाँ पे था डायरेक्ट सनरेज पड़ रही थी इक्वेटर के ऊपर लेकिन जब जून आया तो ये आई टी सीजन ऊपर गया इंडिया के ऊपर आ गया धीरे धीरे ये मतलब हर रोज ऊपर की तरफ जो है चलता रहता है जिस तरह से डायरेक्ट सनरेज जो है एक दिन यहाँ पड़ेंगी दूसरे दिन यहाँ फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ ही जाएंगी ठीक है तो आई टी सीजन नॉर्थ मूव करता है तो समर में आई टी सीजन नॉर्थ की तरफ आता है ठीक है समर में आई टी नॉर्थ की तरफ आता है क्योंकि यहां पे डायरेक्ट सनराइज पड़ रही है जब यहां पे डायरेक्ट पड़ रही है तो जहां पे डायरेक्ट पड़ रही है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और जो लो प्रेशर जहां पे होता है हाई प्रेशर जोन से विंड्स वहीं की तरफ आ रही है तो ऊपर से भी आपको विंड्स दिखेंगी और नीचे से भी विंड्स आपको विंडेगी ठीक है तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स ऊपर से आएंगे और यहां पे अब अगर देखोगे अब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था ना कि या तो डायरेक्ट ऐसे आनी चाहिए थी विंड्स या इस तरह से विंड्स आनी चाहिए थी ठीक है अब यहां पे मैं भूल गया ये विंड्स जो है ये क्यों आ रही है ऐसे स्लॉटेड ये डायरेक्ट इसलिए नीचे क्यों नहीं आ रही है ये इस वजह से क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती है और जब ये चीज अर्थ जो है रोटेट करती है तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस्ट फोर्स तो कोरियोलिस्ट फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं रहती ये राइट की तरफ मुड़ती है याद रखना है कोरियोलिस की वजह से विंड जो है वो राइट की तरफ अब इमेजिन कीजिए आप ऊपर से आ रहे हो जब आप ऊपर से आ रहे हो तो राइट कौन सा होगा राइट ये वाला साइड होगा तो इस वजह से ये ऐसे मुड़ती है अब जब आप नीचे से आओगे नीचे से भी क्या होता है कि नीचे से साउदर्न हेमिसफेयर में याद रखना है जो नॉर्दर्न हमिस्फेयर वहां पर राइट की तरफ मुड़ेंगी और नीचे साउदर्न हेमिसफेयर में लेफ्ट की तरफ ठीक है तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। लेकिन इक्वेटर को जब क्रॉस करेंगी तो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में पहुंची अब नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में किस तरफ मुड़ती है राइट right की तरफ तो इस वजह से ये राइट की तरफ ऐसे जाएंगी ठीक है फिर से आप देखिए कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मुड़ती है लेकिन जो साउदर्न साउदर्न में लेफ्ट की तरफ जब यहां पे ऊपर से आएंगी विंड्स ऊपर विंड आ रहे हो इमेजिन कीजिए आप ऊपर से आ रहे हो ऊपर से जब आप आ रहे हो तो आपका ये राइट होगा ना तो ये विंड्स ये राइट की तरफ मुड़ेंगी अब जब नीचे से यहाँ आ रही है यहां से विंड्स आ रही विंड तक तो ये साउदर्न हेमिसफेयर में थी साउदर्न हेमस्फियर में लेफ्ट की तरफ जाएंगी यहां से आप आगे जा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ जा रही है ना हाँ लेकिन जैसे ये नॉर्दर्न हेमस्फियर में जाएंगी तो ये राइट मूव करेंगी क्योंकि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में राइट मूवमेंट होती है तो यहाँ पे ये इक्वेटर पे राइट की तरफ मूव करेंगी लेकिन यहां पे आप देखोगे ये हम जून की बात कर रहे हैं तो जून में अगर आप देखोगे विंड्स इंडिया में कहां से आ रही हैं सर यहां से नीचे से आ रही है ये न, ये साउथ है और ये वेस्ट है तो ये वाला रीजन जहां से ये आ रही हैं यहां से ये आ रही हैं ऐसे तो ये कौन सा रीजन है ये आ रही हैं साउथ वेस्ट से ठीक है ये साउथ नीचे है और ये वेस्ट है तो जून में जो विंड्स आती हैं जो ट्रेड विंड्स आती हैं इंडिया में दे और द साउथ वेस्ट विंड्स तो आपने शायद सुना होगा साउथ वेस्ट मॉनसून अब आपको समझ आ गया कि जून में साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों होता है क्योंकि जून में जो मॉनसून की विंड्स आती हैं जो मॉनसून आता है वो क्या होता है वो विंड्स होती है विंड्स होती है वो विंड्स आती है और फिर बारिश कर जाती है विंड्स आती है उनसे बारिश होती है वो हम आगे देखेंगे कैसे बारिश होती है बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ नीचे नीचे साउथ है और ये वेस्ट है तो साउथ वेस्ट से विंड्स आ रही है। इंडिया की तरफ साउथ वेस्ट से ये साउथ वेस्ट से आ रही है यहां से आ रही है तो इस वजह से इनको हम कहते हैं साउथ वेस्ट विंड्स तो इस वजह से आप देखोगे कि जो जून में जो मॉनसून आता है जो मॉनसून की विंड्स आती है उनको हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये साउथ वेस्ट से आ रही है सो तो अगर मैं फिर से अगर कुछ समझ नहीं आया बस इतना याद रखो कि जून में इंडिया की तरफ विंड साउथ वेस्ट से आती है साउथ वेस्ट से आती है और वही मानसून लेके आती है आई होप समझ आ गया और ये ट्रेड विंड होती है ठीक है सरफेस के ऊपर चलती है अब दिसंबर में क्या होगा दिसंबर में अब जो परपेंडिकुलर सनरेज है वो पड़ेगी किसके ऊपर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ेंगी मतलब नीचे पड़ेंगी यहाँ इस वाले रीजन में तो जब पे उप, में तो तो जब पे पे डायरेक्ट पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ वहां टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि नीचे साउथर्न हेमोस्फेयर में दिसंबर में समर होता है और यहाँ विंटर होता है तो यहाँ पे जब गर्मी होगी तो इस वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली गर्मी होगी तो हवा ऊपर उठेगी ऊपर उठेगी तो विंड्स आएंगी कहां से आएंगी ऊपर से भी आएंगी और नीचे से भी यहीं पे कन्वर्ज होगी तो इस वजह से आई सीजन जो है वो दिसंबर में कहा बनता है नीचे ट्रॉपिक ट्रो, ऑफ कैप्रिकॉन के पास बनता है सो so, इस वजह से विंड्स विंड्स जो है अब यहां, इस तरह से आएंगी और अब ऊपर से आएंगी विंड्स नीचे तो ऊपर से विंड्स अब नीचे आएंगी अब यहां पे फिर से इक्वेटर पे क्यों मुड़ी उसी वजह से फोर्स की वजह से मुड़ी तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अब यहाँ पे दिसंबर में इंडिया के ऊपर जो विंड्स आ रही है इंडिया में जो विंड्स ब्लो कर रही है वो कहां से आ रही है सर वो ऊपर से आ रही है ऊपर मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है सर नॉर्थ ईस्ट से आ रही है विंड्स तो इस वजह से जो दिसंबर में जब रिट्रीटिंग मॉनसून जब मॉनसून जा रहा होता है तो उस टाइम पे विंड्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपने जब मॉनसून पढ़ा होगा शायद तो होगा रिवर्सल ऑफ विंड्स।, विंड्स, विंड्स यही होता है कि जून में विंड्स जो इंडिया की तरफ आ रही थी वो ऐसे आ रही थी और जब सीजन बदला तो मतलब जब दिसंबर आया दिसंबर में डायरेक्शन रिवर्स हो गई मतलब जून में ये आ रही थी साउथ वेस्ट से और दिसंबर में आई नॉर्थ ईस्ट मतलब इनकी डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो गई इस वजह से यही जो रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है इनकी वजह से बारिशें होती है तो इस वजह से जहां पे भी दुनिया में कहीं पे भी अगर इस तरह का रिवर्सल ऑफ विंड्स होता होगा उसको हम कहते हैं वहां पे मॉनसून क्लाइमेट है सो so अब आपको समझ आ गया होगा कि मॉनसून को रिवर्सल ऑफ विंड्स क्यों कहते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो मॉनसून है उस क्लाइमेट को कहते हैं जहां पे एक सीजन में एक तरफ से विंड्स ब्लो करती है और दूसरे सीजन में दूसरी तरफ से अगर कुछ समझ नहीं आया जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जून जब होता है जून में इंडिया में गर्मी होती है गर्मी होती है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो विंडस जो है वो लो प्रेशर जोन की तरफ आती है मतलब इंडिया में नीचे से मतलब यहाँ साउथ वेस्ट से विंड्स आती हैं तो याद रखना है कि जून में इंडिया की तरफ विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट यहाँ से विंड्स आती है और जब डिसंबर होता है तो विंड्स की डायरेक्शन रिवर्स होती है मतलब नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ आती है अब इन की से बारिश कैसे होती है इंडिया में वो हम आगे देखेंगे बट शुड नो कि इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि विंड्स जो है, वो कैसे ब्लो करती है बट शुड नो कि ऑल दीज विंड हम पढ़ रहे हैं ये विंड्स जो है ये आ, अभी आप देख रहे हो ये अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूड्स मतलब ऐसे वर्टिकली जैसे चल रही है ना मतलब इक्वेटर से दूर या इक्वेटर की तरफ आ रही है मतलब एक वर्टिकल डायरेक्शन में आप मान सकते हो और ये सर्फेस के ऊपर चल रही है और इन विंड कहते हैं ट्रेड विंडो so, इनको इंडीज या दूसरे नाम भी दिए जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीच में अगर हम नॉर्मली मतलब बात करें सेप्टेम्बर और मार्च में इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो होता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऊपर से विंड्स आती है उनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड ट्रेडविड्स कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और नीचे इस तरह से साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट आ रही है इस वजह से ये वाली विंड जो है ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गई यहाँ पे सब ट्रॉपिकल आ, आ, हाई होता है यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई होता है ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताई आपको अब इसको अगर आप थोड़ा सा फिर से अगर मैं इसको रिवाइज करने की कोशिश करूं तो समर में क्या होता है कि समर में इंडिया में गर्मी होती है तो गर्मी जब होगी तो हाई प्रेशर जोन इस तरह से समर के ऊपर या आईटीसीजड समर में होता है मतलब इंडिया के ऊपर होता है लो प्रेशर आईटीसीजड जोन समर में होता है तो इस वजह से विंड्स जो है वो इंडिया की तरफ आती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट तो याद रखना है कि समर में इंडिया के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है या हम कह सकते हैं कि आई टी सीजन इंडिया के ऊपर होता है इस वजह से विंडस इंडिया की तरफ आती है सो तो ये समर की बात हुई अब विंटर में क्या होता है सर विंटर में ये आई टी सीजन जो है ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास चला जाता है क्योंकि वहीं पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती है तो जहां पर आई टी सीजन होगा मतलब वहां पर लो प्रेशर होगा तो विंडस वहीं की तरफ जाएंगी तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी इस वजह से जो इंडिया है इंडिया में आपको विंड्स दिखेंगी ऊपर से नीचे की तरफ ये वही सारी चीजें जो मैंने बताई आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिवर्सल ऑफ विंड क्यों होता है <coughs> तो ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स है जो इंडिया से एक तरह से दूर जा रही है अब यहाँ पे आपको समझना आप, है कि अब हमने विंड्स पढ़े हमने पढ़े कि विंड्स कैसे आते हैं मतलब ट्रेड विंड जो होते हैं जो सरफेस के ऊपर विंड्स ब्लो करती हैं वो कैसे चलती हैं मतलब अर्थ के ऊपर एक विंड सिस्टम है जो नेचर ने बनाया है बट यहाँ पे हम देखेंगे अब विंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है क्लाइमेट में क्योंकि विंड्स की वजह से बारिश होती है एक मेन रीजन है मतलब एक टाइप की विंड है एक टाइप की बारिश है वो हम देखेंगे कि वो वो विंड्स की वजह से होती है विंड जब ब्लो करती है तो तभी बारिश होती है इसमें पहली टाइप है दैट्स कॉल्ड रहता ओरोग्राफिक रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है कि यहां जब समंदर के ऊपर या किसी वाटर बॉडी के ऊपर जब विंड ब्लो करती है मतलब सरफेस के ऊपर विंड ब्लो करती है तो जब उसके ऊपर से विंड ब्लो कर रही होती है तो ओशन जो है ओशन के ऊपर ऑब्वियसली सनलाइट पड़ती है तो ओशन में इवेपोरेशन होता है मतलब वाटर वेपर्स जो भाप है वो ऊपर जाता है जब वो ऊपर जाता है तो वो इन विंड है ये उसको कैप्चर करती है और अपने से साथ ले आती है तो हम कह सकते हैं कि जो विंड सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर चल रही है ब्लो कर रही है वो मोएस्ट होती है क्यों होती है मोएस्ट क्योंकि जो इवेपोरेशन हुआ था वॉटर में

तो विंड आ रही थी वाटर से वहां से मॉइस्चर इसने उठाया ये आगे 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 इसको दिखा माउंटेन माउंटेन ने इसको ब्लॉक किया इसलिए वजह से ये ऊपर उठी जब ये ऊपर उठेगी तो आपको पता है कि जितना हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में नीचे ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर उतना कम होता है जितना हम ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं इसी वजह से तो पहाड़ों पर सर्दी होती है तो जब ये विंड ऊपर जाएगी जितना ये ऊपर जाएगी वहां पे उतना टेम्परेचर कम होगा जब टेम्परेचर कम होगा तो जहां पे टेम्परेचर कम होता है तो ये जो वाटर वेपर्स इनमें थे वो वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे मतलब वो वाटर वेपर्स जो थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे कन्वर्जन होगा उनका इनटू ड्रॉपलेट्स उनके ड्रॉपलेट्स बनेंगे वो वेपर्स थे उनके ड्रॉपलेट्स बन गए तो वो ड्रॉपलेट्स जो है वो रेन की फॉर्म में फिर नीचे आएंगे आई होप समझ आ गया होगा विंड्स जब आई थी कहां से सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर से आई थी वहां से उन्होंने मॉइस्चर उठाया मॉइस्चर कहा क्यों उठाया क्योंकि वेपरेशन से वेपर्स उनमें ट्रांसफर हो गए फिर वो आगे बढ़ी जब वो लैंड के ऊपर आ गई लैंड में अगर उनको आगे कोई माउंटेन दिखा तो उस वजह से वो ऊपर जाएंगी जब ऊपर जाएंगी तो ऊपर टेम्परेचर कम होगा जब ऊपर टेम्परेचर कम होगा तो उस वजह से वहां पे वो कंडेंस हो जाएंगे और जब वो कंडेंस हो जाएंगी उस वजह से वो रेनफॉल हो जाएगा तो इस टाइप के रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं और इंडिया में जो मॉनसून में रेनफॉल होता है वो मेनली यही ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है एक तरह से ये ये एक टाइप है रेनफॉल का और अगर आप देखोगे जब यहाँ पे ये जो रेनफॉल हो गया

मॉइस्चर इनमें घुस जाता है तो मॉइस्चर इनमें ट्रैप होता है वो मॉइस्चर लेके जब भी यहां लैंड पे आते हैं ये लैंड पे जैसे ही आते हैं तो आगे इनको दिखती है एक चीज जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न गार्ड्स गार्ड्स तो वेस्टर्न आपने सुना होगा वेस्टर्न गार्ड्स ये हैं एक माउंटेन रेंज है तो एक माउंटेन इनको आगे दिखा तो जब माउंटेन इनको आगे दिखा तो ये ऊपर जाएंगी मतलब अपलिफ्टमेंट इन, होगा इनका इन विंट का अपलिफ्टमेंट होगा जब ये ऊपर जाएंगे ऊपर टेम्परेचर कम होगा तो ये इस वजह से ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये कोस्टल रीजन जो है वेस्ट कोस्ट यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है क्योंकि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है और जब ये आगे जाएंगी तो सारा मतलब इनको क्रॉस करेंगी वेस्टर्न

ये आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जो मानसून है वो एंटर करता है वो हम आगे देखेंगे देन देर इज अनदर टाइप ऑफ रेनफॉल जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल यूजली इक्वेटर पे होता है जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर पे जो रीजन या कंट्रीज फॉल करती है वहां पे ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है क्यों होती है क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा होती है दिन क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट वहां पे साल में लगभग लग दो बार जो है वो परपेंडिकुलर सन रेज होती है ज्यादा होता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस वजह से जो हवा जो है वो गर्म हो जाती है और गर्म इतनी होती है कि वो ऊपर उठ जाती है गर्म ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ऊपर उठती है जिसकी वजह से बारिश हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल मूवमेंट जो एयर है वो इतनी गर्म होती है कि वो इतनी ऊपर जाती है कि जहां पे ये कंडेंस होकर बारिश की फॉर्म में नीचे आती है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल तो यहाँ पे जो एयर का अपलिफ्टमेंट हुआ वो किसी बैरियर की वजह से वो किसी माउंटेन की वजह से या किसी और लैंडफॉर्म की वजह से नहीं हुआ वो बस इस वजह से हुआ क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था इतना ज्यादा था कि वो उसको इतनी हाइट पे लेके गया कि जहां से वो कंडेंस होकर बारिश के फॉर्म में आ गया ये रेनफॉल होता है इक्वेटर पे देन देर आर जेट स्ट्रीम्स अब अभी हमने देखा कि जो आ, हमने ट्रेड विंड देखी हमने देखा कि इस तरह से लाइक यहाँ से आती हैं है विंड या नीचे से आती हैं विंडस जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है या नीचे आती हैं साउथ वेस्ट है. इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे भी विंड्स ब्लो करती हैं तो एक तरह से लॉन्गिट्यूड्स के अलोंग विंड्स ब्लो करती हैं लेकिन और एक टाइप की विंड है मतलब लेकिन जो ट्रेड विंड थी वो सरफेस के ऊपर ब्लो करती है और एक टाइप की विंड्स हैं जिसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स ये जेट स्ट्रीम्स अपर एटमोस्फियर में ये ऊपर ब्लो करती है और किस तरह ब्लो करती है इस तरह से मतलब अलॉन्ग द लेटीट्यूड से ब्लो करती है और ये बिल्कुल ना नैरो होती है अराउंड इनका कुछ ए, बहुत कम डायमीटर होता है एक किलोमीटर के आसपास हो सकता है लेकिन ये माइल्स लॉन्ग होती है इनकम इनकी लेंथ जो होती है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि एक नैरो नैरो स्ट्रीम ऑफ विंड जो बहुत तेज ब्लो करती है और यूजुअली अलोंग द लैटिट्यूड्स मतलब हॉरिजॉन्टली ये ब्लो करती है और ऊपर एटमॉस्फेयर में ये ब्लो करती है इनको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम्स तो जेट स्ट्रीम्स और ट्रेड विंड्स में क्या डिफरेंस है ये भी ब्लो करती रहती है और यूजुअली ये सब रीजन में मतलब ट्रॉपिक सब रीजन जो है ट्रॉपिक के अराउंड ऊपर ट्रॉपिक कैंसर ट्रॉपिक कैप्रिकॉन वहीं पर यह ब्लो करती है और ऊपर पोलर रीजन में भी ये ब्लो करती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं जेट स्ट्रीम्स एक तरह से अलोंग द ब्लो है लैटी में ब्लो करती हैं लेकिन ट्रेड विंड जो है वो सरफेस पे ब्लो करती है और ऐसे वर्टिकली हम कह सकते हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूड्स ब्लो करती है अब इनका भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये भी क्लाइमेट डिटरमाइन करती है किसी कंट्री का तो अगर ये जेट स्ट्रीम्स कहीं से ब्लो करेंगे तो उस रीजन के क्लाइमेट पे असर पड़ता है दो जेट स्ट्रीम्स और ट्रेड विन्स का क्या डिफरेंस है सो जेट स्ट्रीम्स अभी मैंने बताया कि इट्स अ नैरो वेरिएबल बैंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडोमेंटली वेस्टर्ली करेंट्स वेस्टर्ली करेंट्स क्यों है क्योंकि आप देख रहे हो ये ज्यादातर वेस्ट से आती है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है इसलिए इनको वेस्ट प्रिडोमिनेटली होती है

लेकिन अगर हम ओवर ए लॉन्ग पीरियड मतलब 30 साल का हम देखेंगे कि कहीं पे किसी जगह पे 30 साल में या पिछले 30 साल में 20 साल में 25 साल में कितनी बर्फ पड़ी है कितना टेम्परेचर हुआ है एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है एवरेज ह्यूमिडिटी कितनी रही है तो हम वो मानेंगे उसका क्लाइमेट सो क्लाइमेट इज यूजली एवरेज ऑफ ऑल दीज एटमोस्फिरिक कंडीशन लॉन्गर पीरियड ऑफ यूजी ठीक है तो क्लाइमेट जो है क्लाइमेट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है इसका ये मतलब है कि अभी हमने देखा कि जो इक्वेटर पे जो लोकेशन होंगी उनमें जो टेम्परेचर होगा एवरेज टेम्परेचर वो ज्यादा होगा मतलब और अगर हम ऊपर पोल्स पे जाएंगे पोल्स पे बहुत कम होता है पोल्स पे बहुत कम होता है टेम्परेचर उसकी वजह से क्यों क्योंकि वो मतलब इक्वेटर से जितना हम दूर जाते हैं उतना टेम्परेचर कम होता है ठीक है तो लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड पे कोई जगह है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि या उससे भी इफेक्ट पड़ता है उसकी क्लाइमेट पे ठीक है दूसरा है टेरेन टेरेन मतलब कैसा है मतलब वहां पे पहाड़ हैं प्लेन्स हैं वैलीज हैं किस टाइप की वहां पे जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स हैं तो वो भी डिटरमाइन करती है क्लाइमेट ऑफ ए लोकेशन इसके अलावा ऑल्टीट्यूड भी है ऑल्टीट्यूड मतलब कौन सी कितनी हाइट पे है फॉर एग्जाम्पल जो जितनी हाइट पे होगा जितना ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे क्लाइमेट जो होगा वो उतना मॉडरेट होगा या हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे ऐसे स्नोफॉल होता होगा तो ये सारी चीजें ऑल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं विंड पैटर्न ये विंड पैटर्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंड पैटर्न मतलब उस रीजन से किस तरह की विंड्स ब्लो करती हैं मतलब ट्रेड विंड्स कौन सी ब्लो करती हैं किस तरफ से विंड ट्रेड विंड्स आ रही हैं जेट स्ट्रीम्स कौन सी वहां से गुजर रही हैं तो वो भी एक जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन करती हैं और क्लाइमेटर बाई बॉडीज एंड देयर करंट्स वाटर बॉडीज मतलब पास में कौन सी सी है कौन सी ओशन है वो भी डिटरमाइन करते हैं और उस ओशन में करंट्स अब ओशन में भी पानी जो है वो तेज फ्लो करता है स्ट्रीम्स हैं उनको हम करंट कहते हैं वो हमें नहीं पढ़ना है बस आप याद रखो कि अगर किसी जगह लैंड के पास में कोई वो बड़ी वाटर बॉडी होगी उसका भी असर पड़ेगा उसके क्लाइमेट पे जैसे हम देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि जो पेनेंसुलर इंडिया है अगर ये पेनेंसुलर इंडिया है पेनेंसुलर इंडिया का आप देखोगे कि पेनिसुलर इंडिया नजदीक है इक्वेटर के तो इक्वेटर के नजदीक तो है इंडियन ओशन है तो इस वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है वो उतना नहीं बढ़ता है जितना ही बढ़ना चाहिए था क्योंकि जो इंपैक्ट है बॉडी का उसकी वजह से इसका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है सो so देन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अब

उनको फाइव क्लाइमेट टाइप्स में डिवाइड किया मतलब कहीं पे फॉर एग्जाम्पल उसने देखा कि रेनफॉल एवरेज रेनफॉल थ्री हंड्रेड मिलीमीटर होता है साल में एवरेज टेम्परेचर से ट्वेंटी फाइव डिग्रीज होता है तो इस तरह से जो सारे पैरामीटर्स है इनको देख के उसको एक टाइप का क्लाइमेट बताया इस तरह से इसने दूसरी जगह दूसरा एक पैटर्न दिखा उसको उसको बोला कि ये दूसरी टाइप है तो उसने वर्ल्ड क्लाइमेट को पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया और उनको जो है लेबल किया ए थ्रू ए मतलब उसको ए टाइप बी टाइप सी टाइप डी टाइप और ई e टाइप क्लाइमेट किया ए क्लाइमेट को इसने कहा ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज्यादातर जो ट्रॉपिकल एरिया है उसके अराउंड दिखेगा उसके बाद इसने बोला कि माइल्ड एंड मिड लैटिट्यूड ड्राई कोल्ड माइल्ड लैटिट्यूड पोलर पोलर से आपको दिखेगा कि हाँ ये पोलर क्लाइमेट ज्यादातर पोल्स के पास होता होगा इसके अलावा भी उसने सब डिविजन किए मतलब ट्रॉपिकल के दो तीन डिविजन ड्राई के दो तीन डिविजन वो भी उसने किए थे तो प्राइमेली अगर कोपेन की बात करें कोपेन ने क्ला, क्लाइमेट को पांच डिजन किए थे पांच ग्रुप्स में डिवाइड किया था बट यहाँ क्लाइमेट ऑफ इंडिया को मैंने बताया कि इंडिया को कहते हैं कि इसका क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप कहीं पे आपको ट्रॉपिकल भी दिखेगा लेकिन यूजली सब ट्रॉपिकल कहते हैं और मानसून टाइप सब ट्रॉपिकल किस वजह से सब ट्रॉपिकल मतलब ऐसी जगह को हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं जो

लेकिन यहाँ होती है क्यों होती है क्योंकि यहाँ पे विंड्स ब्लो करती है मतलब रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है तो विंड पैटर्न की वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है तो हम कहते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है सब ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से है क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है और विंड पैटर्न जो यहाँ पे विंड्स ब्लो करती है वो हमने देखा कि वो रिवर्स होती है इस वजह से उस रिवर्सल की वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी इफेक्ट होता है इस वजह से उसको मॉनसून कहते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल मॉनसून है अब पूरे इंडिया का ऐसा ही क्लाइमेट तो नहीं है ना मतलब एक जैसा क्लाइमेट नहीं है क्लाइमेट वैरी करता है तो एक ही कंट्री के अंदर यहाँ इंडिया में आपको बहुत सारी रीजनल वैजेशन दिखेंगी कहीं पे आपको दिखेगा कि मतलब बारिश बहुत कम होती है कहीं पे दिखेगा बहुत ज्यादा बारिश होती है कहीं पे दिखेगा टेम्परेचर बहुत कम होता है कहीं पे दिखेगा बहुत ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट है इंडिया का वो सब सब ट्रॉपिकल मॉनसून के ही टाइप्स हैं ठीक है सब ट्रॉपिकल मॉनसून के ही सब टाइप्स हैं ओवरऑल अगर हम जेनेरिक व्यू एक में देखेंगे तो ब्रॉड व्यू में ये सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया में लेकिन उसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स हैं ठीक है थीके? अब इंडिया के क्लाइमेट पे किस किस फैक्टर uh, से इफेक्ट पड़ता है सो so, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द लैटिट्यूड। अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें, लोकेशन के हिसाब से कौन कौन सी चीज फैक्टर इफेक्ट करती है सो द फर्स्ट इज लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड में मतलब अभी हमने देखा कि जो लैटिट्यूड जो मतलब लोकेशन जो है जो इक्वेटर के नजदीक होगी जो जिस लैटिट्यूड पे होगी हो, अगर वो लैटिट्यूड इक्वेटर के नजदीक होगा तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी वहां पे इक्वेटोरियल टाइप होगा लेकिन अभी हमने देखा कि इंडिया जो है वो ट्रॉप सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा इस वजह से यहाँ का ए, जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है हिमालयन माउंटेन अब हिमालय माउंटेन से भी असर पड़ता है क्योंकि अभी आप देखोगे की जब विंड्स आती है तो विंड्स की वजह से जो बारिश होती है इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया में यूजली तो वो हिमालयन माउंटेंस की वजह से ही होती है जब ये जो हमने देखा ओरोग्राफिक रेनफॉल तो यहाँ से जब विंड्स आती हैं जब यहाँ से विंड्स आती हैं रेन बियरिंग जो यहाँ से आती हैं वो यहाँ जब हिमालय से टकराती हैं तो यहाँ पे वो अपलिफ्ट हो जाती है और अपलिफ्ट जब होती है तो यहाँ पे रेन हो जाती है तो हिमालय की वजह से भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे असर पड़ता है या फिर और एक चीज है कि यहाँ ऊपर जो ये रीजन है यहाँ पे साइबेरिया से जो विंड्स आती हैं कोल्ड विंड्स आती हैं उनको हिमालय ब्लॉक करता है अदर अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो यहाँ से जो साइबेरिया से विंड्स आती हैं कोल्ड विंड्स वो पूरे इंडिया में फैल जाती है और इंडिया में इतना सिवियर विंटर होता है इतनी ज्यादा ठंड होती है कि शायद यहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं होती तो हिमालय एक तरह से इंडिया के क्लाइमेट को मॉडरेट रखता है यहाँ पे बारिश करवाता है और कोल्ड विंड से बचाता भी है देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ये भी इंपॉर्टेंट है अभी हमने देखा कि जो कि यहाँ पे

इंग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है सो so, ये भी इफेक्ट करता है अगर कितना मतलब लैंड uh, कितना है वाटर कितना है और डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये वही चीज है देन वी हैव द ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड से अभी मैंने आपको बताया कि जो जितनी ऊंचाई पे होगा उतना टेम्परेचर कम ज्यादा होगा और रिलीफ रिलीफ मतलब कि मतलब वहां पे कितने पहाड़ है तो वहां पे कितनी वैलीज हैं रिलीफ कहते हैं हम यूजुअली कि जो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है उसके बीच की डिफरेंस है तो उससे भी क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि जितने पहाड़ ज्यादा होंगे उतने रेनफॉल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि विंड आएंगी वो रेनफॉल दे जाएंगी तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है देन देर आर फैक्टर्स तो ये वाले फैक्टर जो अभी हमने देखे ये लोकेशन के रिलेटेड थे अब जो फैक्टर्स एयर प्रेशर या विंड्स के रिलेटेड है विंड्स के रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं फर्स्ट इज द विंड्स जो सरफेस पे चलते हैं अभी हमने जो देखा ट्रेड विंड्स तो ट्रेड विंड्स का भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे असर पड़ता है अभी हमने देखा कि ट्रेड विंड्स जो आती हैं जो मॉनसून लेके आते हैं रिट्रीट जिनसे मॉनसून होता है तो वो उनका भी असर होता है जो सरफेस पे एलिमेंट्स चलते हैं जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं उनका भी इफेक्ट क्लाइमेट पे पड़ता है देन वी हैव द जेट स्ट्रीम्स अभी हम देखेंगे कि जेट स्ट्रीम से भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर असर पड़ता है

वेस्ट से आने वाली मतलब मेडिटेरेनियन सी से आने वाली विंड्स जो है उनसे भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर जो है असर पड़ता है so ये तीन चीजें आप, आपको याद होनी चाहिए कि लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट ले नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानसून के रिलेटेड है विंड्स जो सरफेस पे चलती है मतलब जो ट्रेड विंड्स हैं उनका भी इंपैक्ट होता है और जो जेट स्ट्रीम्स ऊपर एटमोस्फेयर में चलती है उनका भी इंपैक्ट होता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज उनका भी होता है और मौसम का मतलब होता है विंट्स. Ab, आपको समझ आ गया हो कि तो उस टाइम पे विंड से आती है मतलब नीचे साउथ वेस्ट से आती है और जब विंटर आता है तो सॉरी जब समर होता है तो साउथ वेस्ट नीचे से विंड आती है इंडिया में और जब विंटर आता है तो ऊपर से नीचे की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट से विंडे की तरफ आते हैं हैं तो एक तरह से रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है यही रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है इस वजह से यहाँ बारिश होती है इस वजह से इसको मॉनसून कहते हैं अब यहाँ पे एक मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये अरेबिक वर्ड से क्यों निकला है कि इसको मौसम नाम क्यों दिया गया इसको अरेबिक नाम क्यों दिया गया इस वजह से दिया गया बिकॉज इफ यू सी टाइम्स में भी इंडिया और अरब के बीच में बहुत ट्रेड होता था तो वो ट्रेड जो होता था यूजली सी के थ्रू होता था अरेबियन सी के थ्रू जो है शिप्स आती थी जाती थी और उन लोगों ने जो मतलब आते थे जो मतलब शिप्स में जो आते थे जो ट्रेडर्स आते थे उन्होंने अरब ट्रेडर्स जो आते हैं उन्होंने एक पैटर्न देखा कि अगर हम जून में आते हैं मतलब जब जून में आते हैं तो जून में एक तरह से जो विंड्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं इंडिया की तरफ मतलब जब हमने अभी देखा कि जून में विंड्स इस इस तरफ तरफ से से आती जाती और इंडिया की तरफ जाती है तो एक तरह से अगर अरब से कोई आएगा इंडिया की तरफ जून में तो उसको हेल्प मिलेगी क्योंकि ये विंड्स उस शिप को धकेलेंगे उसको जो है हेल्प करेंगे इंडिया की तरफ जाने में तो उन्होंने देखा कि जून में अगर हम आते हैं इंडिया की तरफ तो हमें आसानी होती है क्योंकि विंड्स जो है वो हमें आसानी से एक तरह से हेल्प करती है इंडिया की तरफ जाने में लेकिन अगर अरब से आएंगे हम इंडिया में लेकिन आएंगे विंटर में तब क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है इंडिया की तरफ आना क्योंकि विंड जो है वो अगेनेस्ट ब्लो करते हैं वो ऊपर से हमें नीचे की तरफ धकेलती है तो उन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना जो ट्रैवल ट्रैवल टाइम है वो उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि हम जब अरब से हमें आना होगा इंडिया की तरफ तो हम समर में आएंगे जून में आएंगे क्योंकि विंड्स हमें जो ब्लो करती हैं विंड्स वो हमें उस टाइम पे हेल्प करेंगी इंडिया की तरफ जाने में लेकिन जब वापस आना होगा तो विंटर में आएंगे क्योंकि विंटर में ऊपर से विंड्स आएंगी तो एक तरह से उसको हेल्प करेंगी वापस यहाँ जाने में आई होप समझ आ गया होगा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू शुड नो दिस अरब मौसम से ही क्यों निकला है देन वी हैव कि यूजुअली मॉनसून जो है ये आपको होगा कि मॉनसून आपके दिमाग में क्या आता है जब मॉनसून सुनते हो आपके दिमाग में आता है मॉनसून मतलब बारिश मतलब एक सीजन है बारिश का मौसम जिसे हम मॉनसून कहते हैं यही है सच साच में यही है लेकिन ये क्या होता है कि विंड्स ब्लो करती हैं विंड्स ब्लो करती हैं इंडिया की तरफ वो बारिश कर जाती है और फिर विंटर में वो विंड्स वापस चले जाती है उनका जो डायरेक्शन है वो वापस जाता है तो जब आपके दिमाग में मॉनसून आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए मॉनसून क्या है इंडिया में जून में विंड्स आती हैं आती हैं नीचे साउथ वेस्ट से सा आती हैं वो अपने साथ बारिश लेके आती हैं इंडिया में बारिश कर जाती है और जब विंटर आता है तो विंटर में उनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है वो ऊपर यानी नॉर्थ ईस्ट से वापस जाती हैं इंडिया से दूर जाती हैं तो यही मानसून है दिस इज ऑल वट मानसून इज नाउ यू शुड नो कि मानसून क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे जब हम थेरीज पढ़ेंगे इसके पीछे की तो यहाँ पे यूजुअली हमने देखा कि विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक मतलब नॉर्थ ईस्ट ऊपर से लेके विंटर में नीचे की तरफ मिट जाती है और समर में नीचे से ऊपर की तरफ मतलब नीचे साउथ वेस्ट से ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ विंट जाती है तो यहाँ पे जो विंड्स है जो मानसून विंड्स है वो दो तरह की है एक तो मतलब जब यहाँ से जाती है मतलब साउथ वेस्ट से जो मानसून की विंड्स आती है और ऊपर से जब रिवर्स होती है वो अलग है तो जो जून सेप्ट जून टू सेप्टेंबर जून टू सेप्टेम्बर जो जब जिसे मानसून कहते हैं मतलब मानसून की जब बारिश देता है तो वो विंड जो है उनको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून साउथ वेस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि वो साउथ वेस्ट से आती है इस तरह से वो ब्लो करती है नीचे साउथ वेस्ट है साउथ वेस्ट से तरफ इंडिया की तरफ आती है अब हम देखेंगे वो कैसे आती है तो यहाँ पे आप देखोगे कि साउथ वेस्ट जब जून होता है जून में इंडिया के ऊपर डायरेक्ट सनराइज पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो यहाँ पे सनलाइट पड़ रही होती है पे लो प्रेशर जोन होगा लो प्रेशर जोन जब होगा तो यहाँ पे विंड्स आएंगी तो लो प्रेशर जोन की तरफ विंड्स आने लगेंगी तो जब विंड्स पे आने लगेंगी तो आप ये देखोगे की यहाँ हाई प्रेशर जोन से विंड जब आने लगेगी तो इस वजह से इंडिया के ऊपर भी विंड इंडिया में भी विंड्स एंटर कर जाएंगी तो जब ये विंड्स एंटर कर जाती है इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून तो जून में साउथ वेस्ट मानसून होता है क्यों होता है क्योंकि जून में साउथ वेस्ट से

ये विंड्स एक्चुअली आती का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रेनफॉल कर जाती है जब ये विंड्स नीचे से आती हैं तो यहां से ये आती हैं तो ऑब्वियसली ये अरेबियन सी के ऊपर से आती है तो जब कोई विंड सरफेस के ऊपर चलती है वाटर सरफेस के ऊपर चलेगी तो क्या होगा सर अभी हमने देखा ओरोग्राफिक रेनफॉल में कि जब वाटर के ऊपर विंड्स चलेंगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी तो ये विंड्स जब आती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके आते हैं ठीक है लेकिन एक विंड्स यहां से आती है यहां से बहुत सारी विंड्स आती है एक ब्रांच इसे हम अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं और दूसरी ब्रांच यहां से जाती है ठीक है एक यहीं पर टकराई जाती है दूसरी यहाँ श्रीलंका से, से आगे जाती है और बे ऑफ बंगाल से आगे जाती है इसको हम ऑफ बंगाल बे ब्रांच कहते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए <coughs> कि साउथ वेस्ट विंड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड की कितनी ब्रांचेस होती हैं सर दो ब्रांचेस होती हैं एक जो अरेबियन सी ब्रांच है और दूसरी बे बंगाल ब्रांच है अब हम देखेंगे कि ये जो दो ब्रांचेस है ये कैसे रेनफॉल कर जाती है कहां कहां पे इंडिया में बारिश हो जाएगी सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले यहां पे जो है इंडिया में केरला कोस्ट को हिट करती हैं ठीक है जिसको हम मालाबर कोस्ट कहते हैं याद रखना है कि टेंथ जून या जून के फर्स्ट वीक के अराउंड या कहीं कभी कभी ये के लास्ट वीक में भी होता है तो मे के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में सबसे पहले केरला के मालाबर कोस्ट को हिट करती है मॉनसून विंड्स जो साउथ वेस्ट विंड्स आती है जून में जून के फर्स्ट वीक में या मे के लास्ट वीक में ये हिट करती है यहाँ पे केरला के मालाबर कोस्ट में ठीक है तो एक ब्रांच यहां से आ गई दूसरी ब्रांच यहां से गई अब हम पहले देखेंगे ये वाली ब्रांच को कि ये कहां से कहां रेनफॉल देगी सर सबसे पहले अभी हमने देखा कि जब यहां पे आएंगी तो सबसे पहले इनको आगे वेस्टर्न गार्ड दिखेंगे। वेस्टर्न गार्ड हाई

वो मॉइस्चर लेडन होती है उनमें मॉइस्चर होता है और वाटर वेपर्स होते हैं यहाँ वेस्टर्न गार्ड से टकराते हैं वेस्टर्न गार्ड से टकराते हैं तो उसकी वजह से ऊपर जाते हैं जब ऊपर जाते हैं सर तो क्या होता है सर ऊपर जाते हैं तो ऊपर टेम्परेचर कम है जब ऊपर टेम्परेचर कम है तो वो कंडेंस हो जाते हैं और जब कंडेंस हो जाते हैं तो सर यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे वो बारिश दे जाते हैं तो इस वजह से जो ये वाला कोस्ट है अगर आप इसकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे यहाँ पे 300 से 400 सौ मिलीमीटर की रेनफॉल हर साल होती है तो यू नो दिस कि इंडिया में इस वेस्टर्न कोस्ट पर क्यों बारिश ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ठीक है सर समझ आ गया और फिर जब इसको क्रॉस करती है सर जब सारा रीजन बन जाता है। सर, यहां पे बारिश नहीं होती क्योंकि विंड्स यहां आ जाती हैं पर उनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता जिनसे वो बारिश दी जाती ठीक है तो ये फर्स्ट वाली तो एक तरह से ये अरेबियन सी की पहली सब ब्रांच है ठीक है जो वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश देगी दूसरी क्या है कि सर यहाँ पे हमने देखा था सर यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसे हम नर्मदा रिवर कहते हैं बहुत बार मैंने बताया कि सर दो माउंटेन रेंजेस हैं नीचे सातपुरा है ऊपर विंध्या है ये दो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बीच में एक रिफ्ट वैली है उस वैली के थ्रू नर्मदा रिवर बहती है तो क्या होता है कि जब ये विंड्स आती है जब अरेबियन सी ब्रांच यहाँ आती है सर ये इस वैली के थ्रू भी ये विंड्स आगे जाती है ठीक है सर हाँ सर जब ये विंड्स आगे जाती है तो यहाँ पे एक प्लेटू है जिसे छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का रीजन है सर ये वहां पे रेनफॉल कर जाती है ठीक है तो अरेबियन सी की पहली ब्रांच ने वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश कराई दूसरी बैच जो है वो नर्मदा रिफ्ट वैली के थ्रू गई और आगे यहाँ जो छोटा नागपुर प्लेट है वहां पे उसने बारिश की सर तीसरी बैच यहां से गई इसको हम कहते हैं काठियावाड़ प्लेट पेनसुला दिस इज नोन एज द काठियावाड़ पेनंसुला ठीक है सर तीसरी बैच यहां से गई और यहां पे आप देखोगे ना तो ये ये इंडिया का बॉर्डर है ठीक है कोई माउंटेन नहीं दिखेंगी पर सर यहाँ पे एक माउंटेन है जिसे हम आरावली कहते हैं पर वो ऐसे है और जब ये विंड जाती हैं तो ये उसके पैरल ही जाती हैं ये उसे टकराती नहीं है अगर वो ऐसे होती अगर वो ऐसे होती है तो टकरा जाती और यहीं पर बारिश होती लेकिन ये बिल्कुल तो तो जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली और जम्मू का जो रीजन है वहां ये बारिश कर जाती है तो कौन सी ब्रांच सी की ये वाली ब्रांच जो यहाँ काठियावाड़ पेनसुला से अंदर आई थी तो यहाँ पे सर हमें डेजर्ट दिखता है वो डेजर्ट क्यों है सो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई और ब्रांच आपको नहीं दिखेगी यहाँ पे कभी भी जो मानसून की विंड्स वो नहीं आएंगी राजस्थान में इस वाले रीजन में नहीं आएंगी यहाँ से सर यहाँ से आती थी पर वो रेनफॉल नहीं देके जाती है अगर क्योंकि यहाँ पे कोई उसको आगे एक माउंटेन नहीं है कोई एक बैरियर नहीं है जिससे वो अपलिफ्ट हो जाए और वहां पर बारिश हो जाए तो याद रखना है कि अरेबियन सी ब्रांच जो है उसकी तीन सब ब्रांचेस है एक वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश कर जाती है उसका रेन शाइडो रीजन ये है वहां बारिश नहीं होती है दूसरी उसकी ब्रांच यहाँ नर्मदा रिफ्ट वैली से आगे जाती है यहाँ छोटा नागपुर प्लेटों में बारिश दी जाती है तीसरी यहाँ से जाती है अरावली के पैरल जाती है और यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में बारिश दी जाती है और यहाँ सर डेजर्ट क्यों है क्योंकि यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं हो सकता क्योंकि कोई पहाड़ है ही नहीं तो वहां से विंड्स आती वहां पे विंड्स बारिश नहीं देती सर अब हम देखते हैं ये बे है। बे ऑफ ऑफ बंगाल बंगाल वाली वाली ब्रांच ब्रांच क्या है अभी अगर आप देखोगे ये यह से जा रही है सी के ऊपर लेकिन यहाँ पे एक आ, लैंड के ऊपर जा रही है, वो यहां पे है। और ये कहीं ना कहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है तो एक जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे पहले यहाँ बारिश दे जाती है तो यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में ये बारिश दे जाती है सर ठीक है फिर ये आगे जाती है सर जब ये आगे जाती है तो आगे यहाँ पे आपको दिखेगी कि ये जो है इसको पूर्वांचल कहते हैं आराकोमा अगर आपको याद होगा हिमालय का एक्सटेंशन यहाँ पे भी एक माउंटेन रेंज है तो ये उसके साथ टकराती है ठीक है उसके साथ टकराएंगी तो वापस इस तरफ जाएंगी पहले हम उससे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये मेघालय है और मेघालय में आपको अगर याद होगा मैंने बताया था तीन हिल्स हैं गारो एंड जयंटा ये हमने पढ़ा है गारो खासी एंड जयंटा तीन हिल्स है मेघालय में और ये जो है मेघालय में जब ये उन हिल्स के साथ टकराती है तो वहां पे बारिश कर जाती है ठीक है इस वाले रीजन में ये बारिश कर जाती है और इतनी बारिश होती है कि वहां पे रीजन है दैट्स कॉल्ड एज द मोहसिन राम मोहसिन राम या चेरापूंजी इसी रीजन में आते हैं और वहां पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहांजी हुआ करती थी पर जो, बे, जो विंड्स आती है वो टकराती है सर गारो खासी और जयंटा हिल्स के साथ गारो खासी और जयंटा हिल्स के साथ जब वो टकराती है तो वहां बारिश हो जाती है लगभग यहाँ पे अगर थ्री टू फोर सेंटीमीटर होती है यहां पे थ्री 400 के ऊपर ऊपर बारिश होती है कई तो सबसे ज्यादा यहाँ होती है उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट पे होती है याद रखना है सबसे ज्यादा मोसन या मेघालय के रीजन में होता है क्योंकि यहां पे टकरा यह जाती है और इसकी एक ब्रांच यहां फिर अगर आप देखोगे यहां पे इस, अंदर भी घुसती है ब्रह्मपुत्र वैली से आसाम में बारिश हो जाती है वो भी आपको याद रख सकते हो बट यहां पर जो टकराती है मतलब सौराष्ट्र सौराष्ट्र सॉरी नॉट इट इज नोन एज पूर्वांचल 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 इसको पुर्वांचल कहते हैं ये हिल है तो पूर्वांचल या आरा कुमार रेंज इसको पहले कहते थे आराकुमा या पूर्वांचल से टकरा के ये इस तरफ मुड़ती है मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ती है और इंडिया में एंटर कर जाती है और इंडिया में एंटर करते हुए ये उत्तर प्रदेश या बिहार रीजन में जो है बारिश दी जाती है और फाइनली यानी यहाँ ये उत्तर प्रदेश वेस्ट उत्तर प्रदेश में ये जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है उससे मिलती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच अरेबियन सी वाली ब्रांच से कहा तो मिलती है तो यहाँ मिलती है एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश के वेस्ट उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे भी ये वाली यहाँ से जो नर्मदा से आई थी वो भी यहाँ पे मिल जाती है ठीक है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सर उससे क्या होता है कि सर यहाँ से भी जो है विंड्स जो है आती हैं और यहाँ भी बारिश कर जाती है तो ऑलमोस्ट यहाँ आप देखोगे कि इस रीजन में बारिश हो जाती है बट ये वाला रीजन जो है यहाँ बहुत कम बारिश होती है और ये सही भी है यहाँ बहुत कम बारिश होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये रेनशाइडो रीजन में आता है क्योंकि मानसून की विंड्स यहाँ पहुंच ही नहीं पाती है आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसे जो विंड्स आती है मानसून की और कैसे बारिश दे जाती है यू सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप यहाँ देखोगे जो सबसे ब्लैक है जो ब्लैक वाली जो आपको रीजन देख रहे हैं वहां पे

मेघालय के जो अभी हमने देखा मोहसेन राम और चेरापूंजी रीजन है वहां है इस वजह से यहाँ बारिश ज्यादा होती है अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे क्यों है फिर आप देखोगे जो इससे थोड़ा लाइटर है लाइटर है वहां पे 200 हंड्रेड टू फोर सेंटीमीटर होती है वो ये है वेस्टर्न कोस्ट पूरा और यहाँ पे ये यह वाला रीजन जो है आपको यहाँ बारिश बहुत ज्यादा देखिए आंध्रा में क्यों क्योंकि जो यहाँ से आसाम से जा रही थी ना तो वो यहाँ आगे टकरा के यहाँ बारिश दे जाएंगी तो इस वजह से यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज्यादा अगर आप और एक चीज देखोगे की जो ये डॉटेड है पोल का डॉटेड ये वाला रीजन ये वाला रीजन दिस इज़ द का डॉटेड रीजन और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है क्यों क्योंकि सर यहाँ पे विंडस आती नहीं है सर आती थी अगर यहाँ पे आरावली ऐसे है तो उसके पैरल चली जाती है तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती उस साइड ठीक है इस साइड क्यों होती है क्योंकि यहाँ से भी विंड आती है जो फिर यहाँ बारिश दे जाती है ठीक है और यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे ये वाला रीजन जो है जो मैं बता रहा था यहाँ पे 20 टू 40 सेंटीमीटर की बारिश होती है जो बहुत कम होती है ठीक है वो क्यों है क्योंकि ये रेन रेनशाइडोल रीजन में आएगा तो अगर आप मैं आपको मैं पहले ये वाली चीज दिखा देता था तो आपको समझ ही नहीं आता सर आ, आता आपको समझ यहाँ बारिश होती है यहां कम होती है यहाँ ज्यादा होती है पर आपको पता नहीं होता कि क्यों होती है ज्यादा क्यों होती है नाउ यू शुड नो तो अगर आपको अब क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है आप अंदाजा लगा लोगे कि कहाँ पे बारिश ज्यादा होती है और कहाँ पे कम होती है सो so, वही सारी चीजें अगर हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ से जा रही है तो अभी आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे बारिश होनी चाहिए ज्यादा और कहाँ पे कम बारिश होनी चाहिए अब ये बात हुई जून में जून में जब मानसून एंटर करता है जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं अब विंटर में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है आई नीचे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो अब देखेंगे विंटर कि में किस तरह से ये? जिसे रिट्रीटिंग कहते है। जब मानसून रिवर्स कर जाती है सर यह ऐसे होता है कि जो वो नीचे आ जाता है सर आई नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आता है डिसंबर में क्योंकि जो सन रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे तो इस वजह से यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है या आई टी सी जड यहां होता है तो फिर क्या होता है सर तो ब्लो करती हैं लेकिन ऊपर से अब विंड्स नीचे की तरफ आने लगेगी तो इस वजह से इंडिया में विंड्स इस तरफ से आ रही है मतलब नॉर्थ ईस्ट से नीचे की तरफ आती है तो इस वजह से दिसंबर में विंड्स जो है इंडिया में वो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब नॉर्थ ईस्ट से नीचे साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई तो ये भी आपको पता होगा अब कि आई टी सी यहां आ गया विंड्स इसी की तरफ आएंगी तो इस वजह से ये हो गया ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब क्या होता है कि यहां पे जब विंड से वापस जाती है जब ये विंड वापस जाती है अक्टूबर नवंबर में जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है इनसे क्यों नहीं होती है सर क्योंकि ये विंड जब आ रही है सर ये कहां से आ रही है सर ये लैंड से आ रही है तो जब लैंड के ऊपर से आएंगी तो इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि सर यहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है नीचे जिससे वाटर वेपर्स इसमें आएंगे जमा होंगे सर नीचे लैंड है तो जब लैंड से विंड आती है तो वो बारिश नहीं देती बारिश देने के लिए विंड को किसी वाटर बॉडी के ऊपर से आना पड़ता है सो दैट्स वाई जब ये वापस जाती है तो बारिश नहीं दे जाती लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु कर्नाटक का कोर्स है तमिलनाडु में विंटर में बारिश होती है विंटर में बारिश होती है और इससे वजह से होती है क्योंकि जब विंड वापस जाती है तो एक उसकी एक ब्रांच यहां से आती है और वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आती है तो यहां पे वो मॉइस्चर उनमें ट्रैप हो जाता है तो वहां, यहां से मॉइस्चर उठाती है और यहां जब कोस्ट को हिट करती है तो यहां पे बारिश हो जाती है क्योंकि यहां पे भी आपको एक ईस्टर्न गार्ड दिखेंगे तो ईस्टर्न घाट के टकरा के यहाँ तमिलनाडु में बारिश होती है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंटर में इंडिया में कहा बारिश होती है सर विंटर में इंडिया में तमिलनाडु में बारिश होती है क्यों होती है क्योंकि जब रिट्रीटिंग मानसून होता है जब मानसून वापस जा रहा होता है तो जब ये वापस जा रहा होता है तो विंड्स जो है बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जो आती है वो वहां से मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ बारिश दे जाती है

दूसरे को हम कहते हैं फ्लॉन्स डायनेमिक थ्योरी और तीसरी है जेट स्ट्रीम थ्योरी ये तीन थे बहुत आसान है आपको आप समझ आ जाएंगी फ्लॉन्स हमने पढ़ी फ्लॉन्स डायनेमिक कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये आप अभी देखे हुए हेलीज है, थर्मल थ्योरी ये बहुत ईजी है और जो जेट स्ट्रीम है वो भी ईजी है सो द फर्स्ट इज हेलीज थर्मल थ्योरी हेलीज थर्मल थ्योरी इतनी ईजी है कि ये बताता है कि सर जो इंडिया है इंडिया का पेनसुला जो है या इंडिया का जो मेन लैंड है सर सर जब जब समर समर होता होता है सर जब होता है तो ये हीट हो जाता है इसने बताया कि जो लैंड है लैंड जल्दी जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू सी या वाटर इसने बताया कि ये पहले से पता था कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू ओशन तो इसने बताया कि जब समर होता है इंडिया में तो ये लैंड जो है ये गर्म हो जाती है सर जब ये गर्म होती है तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है क्यों यहाँ पे सर ऊपर विंड जाती हैं और फिर जब यहाँ जो सी है इसने बोला कि लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग होती है मतलब लैंड और सी एक ही रेट पे हीट अप नहीं होते हैं लैंड जल्दी हीट अप हो ही। जाती है और सी धीरे धीरे होता है तो इसने बोला कि ये जल्दी जल्दी जब हीट अप होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है ये जो सी है इसके अराउंड जो ये सी है वो उतना हीट नहीं होता है जल्दी तो वो थोड़ा सा ठंडा ही होता है तो वहां पे हाई प्रेशर जोन बनता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आने लगती है तो इसने बताया कि जब समर होता है समर में इंडिया की लैंड गर्म हो जाती है सी जो है वो ठंडी ही रहती है जल्दी जल्दी गर्म नहीं होती है तो वहां से विंड्स आ जाती हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ तो यही मॉनसून विंड्स होती हैं, जो समर में आप देखते हो और इसने बोला कि जब विंटर होता है विंटर में जो लैंड है अब लैंड ठंडी भी जल्दी होती है ये लैंड की प्रॉपर्टी है कंपैरिजन ऑफ वाटर इसने बोला कि लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जो सी या ओशन है वो थोड़ा सा गर्म ही रहता है तो ये ठंडी है मतलब हाई प्रेशर है और ये गर्म है मतलब लो प्रेशर है तो इस वजह से विंड जो है ये उल्टी बहती है तो इस तरह से जो हैली है, हैली थर्मल कॉन्सेप्ट या इसने जो थेरी दी इसने बताया कि जो मानसून है मानसून जो है वो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी की वजह से होती है या लैंड एंड वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से होती है ये कॉन्सेप्ट जो है इसकी ये थ्योरी जो है इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे यही रीजन नहीं है ये रीजन नहीं है रिवर्स की या मॉनसून का ये रीजन नहीं है दिस इज नॉट द थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है मॉनसून को क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे लाइक वन वाज की अगर ये बात है तो इस तरह से भी विंड्स ब्लो करनी चाहिए थी इस तरह से विंड्स आती है जो हमने देखा कि जो साउथ वेस्ट से विंड आती है तो इसके हिसाब से तो यहाँ साउथ ईस्ट से भी विंड्स आनी चाहिए थी पर ऐसा नहीं होता है इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें लूप होल्स है बट इस थे इसको नहीं माना गया तो ये बड़ी सिंपल थी कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से जो है आता है आता ये इसमें बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया है कि कॉन्टिनें जल्दी हीट अप हो जाते हैं सी की कंपैरिजन में और ये हैली ने दी थी सिक्सटीन में तो इम्पोर्टेंट आप अगर आपको ये यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी दैट इज द सी ब्रीज सी ब्रीज मतलब जब समुद्र से विंड आती है टूवर्स द लैंड ठीक है या वाटर से जब लैंड की तरफ विंड आती है है उसको सी ब्रीज कहते हैं तो इसने कहा कि जो साउथ वेस्ट है, वो सी ब्रिज होती है और जो वापस जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून वो लैंड ब्रिज होता है मतलब लैंड से सी की तरफ जाने वाली और वो डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से होता है तो so ये सारी चीजें हैं इसमें ये मैंने आपको बताई ये आप पढ़ सकते हो इफ यू वांट टेलीग्राम में नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी

बताई कि ऐसे समर में इस तरह से हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन इंडिया के ऊपर होता है विंड्स इंडिया की तरफ आती है तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आ जाती हैं और जब विंटर आ जाता है मतलब जब दिसंबर होता है तो दिसंबर में यही हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन या आईटी सीजर जो वो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जाता है तो जब विंड्स है विंड्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो करने लगेंगी तो विंड्स अब वा...

ब्लो करती है और ऐसे हॉरिजॉन्टली ब्लो करती है और इंडिया के ऊपर ये जो है जेट स्ट्रीम एक ब्लो एक रहती है जिसे हम स्ट्रीम भी कह सकते हैं तो इसने बताया कि यहां पे आप देख सकते हो इसने बताया कि जब विंटर होता है तो विंटर में क्या होता है? सर, winter, तक, uh, होता है है सर विंटर 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 जब तक तो में मॉनसून की विंड्स या मॉनसून नहीं होता है या मॉनसून से बारिश नहीं होती है और जब विंटर खत्म होता है तो फिर क्या होता है कि मॉनसून की विंड्स आने लगती है और बारिश हो जाती है तो एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक इंडिया के ऊपर एक वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम रहती है याद रखना है कि जेट स्ट्रीम थे बताती है कि इंडिया के ऊपर नॉर्थ इंडिया के ऊपर एक जेट स्ट्रीम ऊपर से एक जेट स्ट्रीम बह रही होती है जिसे हम वेस्टर्न वेस्टर्न जट स्ट्रीम कहते हैं या वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम कहते हैं ये ऊपर हवा में होती है ये जब तक रहती है मतलब विंटर में मार्च में मे में मे तक ये रहती है जब तक ये इंडिया के ऊपर रहती है नॉर्थ इंडिया में तब तक मानसून एंटर नहीं करता है क्योंकि इसकी वजह से यहां हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और आपको पता होगा कि विंड जो है वो लो प्रेशर जोन की तरफ आती है हाई प्रेशर की तरफ नहीं आती है तो इसने बताया कि इंडिया के ऊपर विंटर में एक वेस्टर्न जेट स्ट्रीम ब्लो करती है एक वेस्टर्न जेट स्ट्रीम ऊपर नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर ब्लो करती है और जब तक ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम नहीं हटेगी तब तक मॉनसून एंटर नहीं करेगा तब तक मॉनसून बर्स्ट नहीं होगा तो इसने बताया कि विंटर में ये रहती है इस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरफ विंड्स जो है वो बहती रहती हैं ठीक है फिर उसने कहा कि जब ये हट जाती है फिर क्या होता है कि जैसे समर आता जाता है ना तो ये वेस्टर्नली जर्सी ऊपर जाती है ये ना तिब्बत में चली जाती है ऊपर तो इंडिया के ऊपर जाती है तो ये जब हट जाती है जैसे ये हट जाती है तो क्या होता है कि इंडिया में मॉनसून की विंड्स आने लगती हैं क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन इसने क्रिएट किया था वो खत्म हो गया इस वजह से ये

इनहांस करती है लेकिन जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है वो आने नहीं देती है मॉनसून को जब तक वो रहेगी इंडिया के ऊपर तब तक मॉनसून एंटर नहीं होता है क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है ये एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है और ये जब होती है ये इंडिया के मॉनसून को और भी एनहांस करती है तो वे, तो जेट स्ट्रीम थ्योरी में आपको दो चीजें याद रखनी है फर्स्ट इज कि इंडिया के ऊपर एक विंटर वे, वे, में वेस्टर्न जेट स्ट्रीम होती है और वो नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर होती है और जब तक वो रहेगी तब तक इंडिया में मॉनसून एंटर नहीं कर सकता क्योंकि वो हाईप्रेशर जोन क्रिएट करता है एंड जो जब समर आता है तो समर में ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो थी ये ऊपर चली जाती है इंडिया के ऊपर तभी इंडिया में एंटर कर जाता है मॉनसून और जब मॉनसून एंटर करता है तो एक ईस्टर्न जेट स्ट्रीम भी क्रिएट होती है तिब्लैट की हीटिंग की वजह से और वो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम हेल्प करती है वो और ज्यादा इंडिया के मॉनसून को एनहांस करती है सो आई होप यू रिमेंबर नाउ की जर्सिंग थे एंड सी की वजह से होती है गर्मियों में लैंड गर्म हो जाती है जल्दी जल्दी फिर विंड ब्लो करती है और सर्दियों में लैंड जो है वो जल्दी सर्द हो जाती है तो लैंड से सी की तरफ विंड जाती है फिर हमने पढ़ा डायनेमिक कॉन्सेप्ट फ्लॉन्स डायनेमिक कॉन्सेप्ट थे फ्लॉन्स डायनेमिक कॉन्सेप्ट थेरी मैंने आपको पढ़ाया था वो

आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग मानसून ये अब आपको आ जाएंगे सारे के सारे फर्स्ट इज द नॉर्थ वर्ड शिफ्टिंग ऑफ वेस्टर्नली स्ट्रीम। ये अभी हमने देखा कि जब ये वेस्टर्नली स्ट्रीम जब ऊपर जाती है हिमालय के ऊपर जाती जाती है जाती है नॉर्थ में तभी मॉनसून एंटर कर जाता है तो जब तक ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट नहीं होगी तब तक वेस्टर्नली जट जब तक नॉर्थवर्ड शिफ्ट नहीं करेगी तब तक मॉनसून एंटर नहीं करेगा ये जटसिम थे जो आपने देखा देन देखो नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ आई टी तो अभी हमने देखा कि डायनेमिक थे आई टी सीजड जब इंडिया के ऊपर आता है मतलब वो यहां होता है ना मार्च में वो इक्वेटर पे होता है मार्च में इक्वेटर पे होता है और जब जून होता है तो जून में वो नॉर्थ की तरफ आ जाता है मतलब वो इंडिया के ऊपर आता है तो जब ये नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग होती है इसकी वजह से भी ये भी मानसून को इफेक्ट करेगा ऑब्वियसली मानसून आकर ही करता है एक मेन रीजन यही है कि आई सीजन नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है इंडिया के ऊपर आ जाता है देन ईस्ट ट्रेड विंड्स ये वही है जो हमने डायनेमिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि ट्रेड विंड्स आती हैं जो ट्रेड विंड्स आने लगती हैं इंडिया में एंटर कर जाती है इक्वेटर पे वो टर्न लेती है जो हमने देखा लैटिट्यूडल एक्सटेंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जहां पे है लैटिट्यूड्स में यहां से लेके यहां तक है अगर इंडिया अब ऊपर होता तो क्या वहां पे मॉनसून होता नहीं होता जो लेटिट्यूडनल लोकेशन है इंडिया की या लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मॉनसून यहाँ पे क्यों होता है क्यों यहाँ पे रिवर्समेंट होता है साउदर्न सीज अब नीचे जो साउदर्न सीज है वो भी मानसून को इफेक्ट करते हैं मतलब जो तो यहाँ पे आपको सी दिख रहे हैं ऑफ बंगाल अरेबियन सी यहाँ पे साइक्लोन्स जनरेट होती हैं और वो साइक्लोन्स भी बारिश कर जाती हैं इंडिया में और मानसून को वो हेल्प करती हैं या उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं तो ये ज्यादातर हेल्पफुल है, होती हैं तो जो साइक्लोन्स इन सीज में जनरेट होती हैं वो इंडियन मानसून को

यहां पे आप देखोगे कि ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया है और ये साउथ अमेरिका है ठीक है मैप पे दिखाता हूं ये ऑस्ट्रेलिया है और ये साउथ अमेरिका है तो एलनीनो क्या है एलनीनो एलनिनो में विंड्स ब्लो करती हैं ऑस्ट्रेलिया से यहां अब ऑस्ट्रेलिया यहां है तो ये साउथ अमेरिका भी यहां आएगा ना क्योंकि ये अर्थ राउंड है ना आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑस्ट्रेलिया से विंड्स ब्लो करती हैं कहां साउथ अमेरिका की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया से आती है और की तरफ, कि से की तरफ जाएंगी अब किसी दूसरे साल ऐसा हो सकता है कि साउथ uh, अमेरिका से विंड्स आने लगेंगी और वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ जाएंगी तो उसको एल्नो कहते हैं उस साल को एलिनो कहते हैं जिस साल ऐसे मतलब यहां पे हाई प्रेशर जोन यहां जोन क्रिएट होगा जब इस तरह से जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका उस साल को हम कहते हैं एलिनो और जिस साल साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ विंड्स आएंगी उसको हम कहते हैं लानीना तो ये एक इंपॉर्टेंट जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे अगर कभी पाटा हुआ तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनामिना है जो पूरी दुनिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट करती है ये दो एलिनो और लानीना ये दो फिनमिना जो है ये पूरी दुनिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं और इंडिया के क्लाइमेट पर भी इनका असर है सो so,

तो ये वेस्ट से आती है इस वजह से उनको वेस्ट वेस्टर्लीज कहते हैं याद रखना है विंटर में मेडिटेरेनियन सी से विंड्स आती हैं और वो विंड्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में आपको सुनने में आया होगा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से अभी बर्फ पड़ी थी तो वो बार बारिश या बर्फ कर जाते हैं यहां नॉर्थ इंडिया में उनको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं वेस्टर्नलीसटर्न uh, डिस्टर्बेंसेज उनका भी इंडियन मानसून पर इम्पैक्ट रहता है उसके बाद ईस्टर्ली जट ये मैंने आपको बताया कि ईस्टर्ट क्या है ईस्टर्ट वही है जो जनरेट होती है जून में और जो हेल्प करती है इंडियन मानसून को तो जो वेस्टर्न जट है वेस्टर्न जट स्ट्रीम है वो मॉनसून को आने नहीं देती लेकिन जो ईस्टर रिजर्स में वो मदद करती है इंडियन मॉनसून को दर इज वन मोर थिंग इंडियन डाइपोल इंडियन ओशन डाइपोल मैंने लिखा नहीं है बट वन मोर थिंग इज इंडियन ओशन डाइपोल इंडियन ओशन ये है ये इंडिया है एंड दिस इज इंडियन ओशन डाइपोल यहाँ पे क्या होता है कि एक साल में यहां पे जो है वार्मर होता है एज कंपेर टू दिस रीजन तो एक साल इस तरफ से आपको दिखने, दिखेंगी विंड्स और साल आपको इस तरह से दिखेंगी तो एक तरह से एक डायपोल क्रिएट होता है ये एक पोल उसका हो गया ये दूसरा पोल हो गया तो एक साल इस तरफ से जाएंगी और दूसरी साल इस तरफ से विंड जाएंगी तो इंडियन ओशन में ये जो चीज होती है उसको इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं ये भी इंडियन क्लाइमेट को इंपैक्ट करती है आपको पढ़ना नहीं है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बस याद रखो इंडियन ओशन डाइपोल भी इंडिया के क्लाइमेट या मानसून को इंपैक्ट करता है प्री मानसून शॉवर्स आपने बहुत बार सुना होगा कि मानसून जब आता है तो वो मतलब यूजली जून में आता है बट जून से पहले मतलब मे में या फिर अप्रैल में ही बारिश होती है कहीं कहीं पे इंडिया में उनको प्री मानसून शावर्स कहते हैं मतलब ऐसी बारिशें जो मानसून से पहले होती हैं और ऐसी बारिशों को कर्नाटक और केरला में मैंगो शावर्स कहते हैं याद रखना है ये अक्सर पूछा जाता है ऐसी बारिशों को इंडिया सॉरी कर्नाटक और केरला में मॉनसून शावर्स सॉरी मैंगो शावर्स कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि वो वहां की जो मैंगो क्रॉप है उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं देन देर इज चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में ही उसको चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं क्योंकि जो चेरी है चेरी का ब्लॉसम होता है मतलब उसके फूल जो है वो खिलते हैं उसी सीजन में बारिश होती है वहां पे ये अराउंड मे अप्रैल मई में होती है और वहां पे इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं तो याद रखना है कर्नाटक और केरला में जो प्री मॉनसून शावर होते हैं अप्रैल के महीने में जो बारिश होती है ये यूजली कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है नॉट द ओरोग्राफिक रेनफॉल तो इसको मैंगो शावर्स कहते हैं कर्नाटक और केरला में और चेरी ब्लॉसम कहते हैं इसको कर्नाटक में एंड असम और बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं तो ये सारी जो है ये मई अप्रैल में ही होती है जून में एंटर करता है मॉनसून मॉनसून से पहले होती है और इनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है देन देर आर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विंटर में यहाँ मेडिटेरेनियन सी से विंड्स आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज वेस्टर्लीज आती हैं और वो बारिश या बर्फ कर जाती है नॉर्दर्न इंडिया में ये कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ठीक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आप यहाँ से पढ़ सकते हो मेडिटेरेनियन ब्लैक सी और कैसमिन सी से आती हैं ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉम्स होती हैं जो बारिश कर जाती हैं so that's it for this video ये एक बहुत बड़ा lecture हो गया, but ये concept ये topic भी बहुत बड़ा था. and i hope that i was able to do justice with this slightly complicated topic jo bahut sare bachcho ko lagta hai but i think i tried my level best and i hope you like the video agar aapko video pasand aayi video ko like kijiye and do share it with your friends subscribe to the channel if you haven't done yet and see you in the next video till then bye bye